पढ़ने लगे हैं। अच्छा, फायरबेस का जो डेटाबेस है वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन आपके कोर्स आउटलाइन में शामिल है तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। सही है। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने जाके firebase.com की वेबसाइट पे चले गया। यहाँ पे नहीं आ रहा ये यार, बटन प्रेस कर दो इसका ना, खुद से ऑन होना बंद हो गया। हाँ बस सही है, थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा वो। अच्छा, तो आप सब लोगों को क्या करना है, firebase.com पे चले जाना है। ये मैंने कैसे किया, गूगल पे जाके लिखा मैंने फायरबेस, सही है, और एंटर कर दिया। पहला लिंक आ गया सबसे, firebase.google.com। ये आपको कहाँ लेके जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे लेके चला जाता है। आपने जाना है कॉन्सोल पे ना, गो टू कॉन्सोल का बटन आपने प्रेस करना है, तो आप क्या हो जाएंगे, कॉन्सोल पे इसके चले जाएंगे। कॉन्सोल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है जिसके जिसके साथ आप अपनी ऐप को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, मैंने कहा ऐड अ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का कोई भी नाम लिख सकते हैं आप। तो मैंने कह दिया कि भाई हेलो वर्ल्ड फायरबेस, राइट, बगैर स्पेस के मैंने हेलो वर्ल्ड फायरबेस यहाँ पे लिख दिया और कंटिन्यू का बटन दबा दिया। उसके बाद मुझसे ये पूछता है कि भाई एनालिटिक्स आपको क्या इनेबल रखनी है। अगर मैं एनालिटिक्स इनेबल रखता हूँ तो मुझसे ये मज़ीद सवालात पूछता है। फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए उसको बंद कर देता हूँ और मैं क्रिएट प्रोजेक्ट का बटन दबा देता हूँ। इससे क्या हुआ, मेरा फायरबेस का एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, और इस फायरबेस के प्रोजेक्ट के साथ अब मैंने क्या करना है, अपना जो हमने पिछले दिनों फेसबुक टाइप की एक ऐप बनाई थी, तो उसके साथ हमें इसको कनेक्ट करना है। सही है। पहले क्या होता था कि आपके पास जो कंपोनेंट हम जब बना रहे थे रिएक्ट के, तो तीन चार कंपोनेंट हम बनाते थे और उसके अंदर हार्ड कोडेड हाथ से डेटा लगा के हम उसको रेंडर करवाते थे, तो ऐसा लगता था फेसबुक खुली हुई और तीन चार पोस्ट उसमें आ रही होती थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जब पेज लोड होगा तो उसमें कोई पोस्ट नहीं होगी। हम पोस्ट लिखेंगे और पोस्ट का बटन दबाएंगे तो वो डेटाबेस में पोस्ट जाके सेव हो जाएगी, और फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक वो वापस गेट भी हो जाएगी और स्क्रीन पे नज़र भी आ जाएगी। ठीक है, और वो अगर मैं ऐप को बंद भी करूँगा वापस खोलूँगा तो वो मेरे पास रहेगा। डिलीट भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्यों नहीं कर सकते, फेसबुक से पोस्ट डिलीट हो जाती है ना। तो बस हाँ, पहले बनाने एक तो कर लें, पहले पहले थोड़ा थोड़ा पहले ऐड तो करना सीख लें, डिलीट का भी देख लेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट किया तो मुझे कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाना शुरू कर दी इसने। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कुछ आपको सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, बिल्ड, मॉनिटर, एनालिटिक्स और इंगेज। असल में फायरबेस की जो है ना, सिर्फ डेटाबेस नहीं है फायरबेस के पास, इसके पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से हम इससे पहले फायरबेस होस्टिंग इस्तेमाल करके देख चुके हैं कि फायरबेस होस्टिंग कैसे काम करती है। फायरबेस होस्टिंग एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। ठीक है, और फ्री में भी आपको ये कस्टम डोमेन लगाना भी अलाउ कर देती है, तो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। उसके अलावा फायरबेस स्टोरेज हमने करके देखा है यहाँ पे इस्तेमाल, इस क्लास में स्टोरेज नहीं, हमने वो भी हम करेंगे बहुत जल्दी। फायरबेस का स्टोरेज भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने सर्वर के साथ, इसको कनेक्ट करेंगे हम बाइनरी फाइल्स अपलोड करने के लिए। जाहिर है, जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं या कोई अपनी इमेज अपलोड करते हैं तो वो डेटाबेस में नहीं सेव होता। ठीक है, या एग्जिट, जैसे अभी कोई मैं फाइल हिप्पो पे गया, वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया तो क्लिक करते हैं डाउनलोड, तो वो सॉफ्टवेयर डेटाबेस में सेव नहीं होता, वो बाइनरी फाइल्स कहलाती है। बाइनरी फाइल कौन कौन सी, MP3, JPG, MP4, एग्जी फाइल, जिप फाइल, ये सारी बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं, तो वो हम स्टोरेज बकेट में रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस फिलहाल उसको नहीं देख रहे। अच्छा, अब हमारे पास इसमें दो अदद डेटाबेसेस हैं। नंबर एक है रियल टाइम डेटाबेस, जो कि ओरिजिनल डेटाबेस है फायरबेस का। ओरिजिनल का मतलब है जो जिसके साथ ये फायरबेस इनिशिएट हुई थी। ठीक है, फायरबेस गूगल की प्रोडक्ट है इस वक्त, लेकिन शुरू में फायरबेस गूगल के पास नहीं था, ये कुछ लड़के थे उन्होंने बनाया था ये प्रोजेक्ट, और फिर बाद में गूगल ने इसको ख़रीद लिया था। ठीक है, 2 साल 3 साल उन्होंने चलाया था, उसके बाद गूगल ने ख़रीद लिया था, एक्वायर कर ली थी इनकी कंपनी, और इसको गूगल का पार्ट बना दिया गया, गूगल क्लाउड का। अच्छा, तो ये जो रियल टाइम डेटाबेस था ना, इसकी ख़ास बात ये थी कि ये रियल टाइम था, यही इसकी ख़ास बात थी। रियल टाइम का मतलब ये होता है, जैसे देखो हमें सम टाइम
पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, और सम टाइम बगैर पेज रिफ्रेश किए हमारे पास नया डेटा अपेयर हो जाता है। ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे अगर फेसबुक पे आपने कमेंट लिखा और साथ साथ किसी और ने भी कमेंट लिख दिया तो वो बगैर रिफ्रेश किए आपके सामने आ जाता है। तो ये फेनोमेना जो है इसको रियल टाइम कहते हैं, ठीक है, कि बगैर पेज रिफ्रेश किए या व्हाट्सएप पे आप किसी से चैट कर रहे हैं तो आपने एक मैसेज लिख के भेजा, अब सामने से अगर वो मैसेज भेजता है तो आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, बगैर रिफ्रेश किए आ जाता है। लेकिन ऑन अदर हैंड जैसे ईमेल है, आपका जीमेल या और कोई भी मेल बॉक्स है, उसमें अगर आपके पास कोई ईमेल भेजता है तो जब तक आप पेज रिफ्रेश नहीं करते आपको नज़र नहीं आता। अब तो बल्कि उन्होंने भी चेंज कर दिया, लेकिन कुछ अरसे पहले तक तो यही होता था कि आपको वो पेज रिफ्रेश करना होता था जब जाके नज़र आता था। इसी तरह github.com पे जब अपना प्रोजेक्ट आप पुश करते हैं तो जब तक रिफ्रेश नहीं करो वहाँ पे दिखता नहीं है कोड, रिफ्रेश करते हैं तो अच्छा दिख जाता है, हाँ कोड आ चुका है यहाँ पे। तो रियल टाइम फेनोमेना समझ आ गया क्या होता है। तो ये इन्होंने एक रेवोल्यूशन इनका ये था कि भाई डेटाबेस जो इनके क्या होता था रियल टाइम होता था। तो ये क्यों आ रहा है सामने बार बार ये, तो वो कुछ लड़कों ने बनाया था कि भाई डेटाबेस जो है ना खुद से ही आएगा, जब भी कोई कहीं से भी चेंज होगा डेटाबेस में ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे वो अपेयर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अच्छा गूगल को भी बड़ा पसंद आया, बहुत हाइप बनी, लोगों ने एकदम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गूगल ने इसको एक्वायर किया तो लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि यार गूगल तो एक बड़ी कंपनी है, उसके पीछे जब इसका हाथ है तो फिर बहुत ही अच्छा डेटाबेस हो गई। लेकिन वक्त के साथ ये साबित हुआ कि जब बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल किया गया तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी। ना सिर्फ इसमें लिमिटेशन थी बल्कि इसमें डिज़ाइन लेवल के प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम समझते हैं। डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम ये होता है कि बाई डिज़ाइन बहुत सारी चीज़ें इसमें हो ही नहीं सकती थी, पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे ये अब घर बना हुआ है, ठीक है, क्या इस घर को क्रेन के ज़रिए उठा के किसी दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? बाई डिज़ाइन इसके अंदर ये रखी नहीं गई ये चीज़, ठीक है। लेकिन आजकल जो नए घर बनते हैं उसमें ये पॉसिबल है, उसको उठा के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जो 3D वाले घर बन रहे हैं आजकल वो तो असेंबल होते हैं, ठीक है, उसमें हर रूम अलग अलग होता है, वो क्रेन के ज़रिए ला के उसको असेंबल किया जाता है, नट बोल्ट से टाइट करते हैं, ये और भी तरीके हैं, ठीक है। तो बाई डिज़ाइन इसमें वो चीज़ है ही नहीं शामिल। क्या ये बिल्डिंग जल्जला प्रूफ है जिसमें बैठे हैं? नहीं, ठीक है। तो ये बाई डिज़ाइन अभी इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। ये अगर अभी कोई बोले ना कि अच्छा इस बिल्डिंग को ज़ल्ज़ला प्रूफ बनाना है तो वो हो सकता है? नहीं हो सकता, अब नहीं पॉसिबल, वो शुरू में ही होना था जो भी होना था। क्या अब इसके अंदर ये बोले कि नहीं यार इसके जो कमरे हैं ना उसको वो कर दो, मॉड्यूलर कर दो, कि एक कमरा निकाल के मैं, जैसे ये लैब है इसको निकाल के मैं चाह रहा हूँ कोने में चली जाए और वहाँ वाली लैब इधर आ जाए, तो ये क्या इसमें पॉसिबल है? बाई डिज़ाइन इसके अंदर ये चीज़ है ही नहीं। अच्छा, कुछ जो ये डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसको डिज़ाइन लेवल का, मैं डिज़ाइन को ज़रा मजीद, वैसे भाई दगा आप लोगों को ये पता है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, डिज़ाइन किस चीज़ को कहते हैं? ये हमारा डिज़ाइन वाली डिस्कशन शायद पहले नहीं हुई है, अच्छा हुआ अभी ये बात निकल आई, थोड़ी सी डिज़ाइन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज़ डिज़ाइन? किसी चीज़ की बनावट, डिज़ाइन, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग का क्वेश्चन है। मैं तो सही जो मेरा ओपिनियन है वो मेरा भी ओपिनियन ही है भाई दबे तो ज़रा प्लीज़ आप लोग अपना ओपिनियन दें, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ डिज़ाइन, डिज़ाइन क्या है? किसी प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिज़ाइन है। अच्छा, मैं बिल्कुल जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं, मॉडल मतलब मॉडल क्या अच्छा एक स्कीमा या एक एक साँचा जो है उसको आप कह रहे हैं कि शायद वो डिज़ाइन है? नहीं, किस तरह जो उसका प्लान है, किसी भी चीज़ का जो ये कह रहे हैं कि बनाने का जो प्लान है कि ये बनने के बाद कैसी दिखेगी उसको डिज़ाइन कहते हैं। बनाने से पहले ब्लूप्रिंट होता है। चलो मैं थोड़ा सवाल को दूसरे तरह से पूछता हूँ, शायद मेरा सवाल आप समझे नहीं। ये जो दीवार पे ब्राउन कलर से ये लकड़ी का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका डिज़ाइन एलिमेंट क्या है? व्हाट इज़ द डिज़ाइन एलिमेंट? इसके ऊपर जो ये जो नक्शा बना हुआ है, जो लकड़ी का एक एक, एक जो ग्राफिक्स लकड़ी की जो है,
पता नहीं अभी ओरिजिनल है या ग्राफिक्स है मुझे नहीं पता। टेक्सचर जो एक बना हुआ है लकड़ी के जैसा दिख रहा है वो इसका डिजाइन एलिमेंट है। नहीं गूगल करो डिजाइन क्या है, व्हाट इज डिजाइन, जल्दी से गूगल करो, देखो गूगल क्या बताता है। मैं भी लिखता हूँ गूगल पे व्हाट इज डिजाइन। हाँ डेफिनेशन तो गूगल पे यही आई है जो ये बता रहे थे ना अनस, डेफिनेशन तो गूगल पे भी यही आई है कि किसी कोई प्लान हो, कोई ड्राइंग हो, कोई ब्लूप्रिंट हो, कोई स्ट्रक्चर हो, तो उसको कहते हैं। आप सब लोग भी अच्छा ये डेफिनेशन पढ़ के, गूगल वाली डेफिनेशन पढ़ के कुछ दिमाग में कुछ और बात आ रही हो तो प्लीज़ बोलें। मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्ट्रीब्यूट करें क्लास के अंदर। क्लास वन वे नहीं होनी चाहिए ना, टू वे होनी चाहिए। कुछ इसको सुन के कुछ समझ आ रहा है क्या चक्कर है ये, व्हाट इज डिजाइन, डिजाइन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा ये ना इसने बहुत जनरल किस्म की डेफिनेशन लिखी है, ये टेक्निकल वाली, क्योंकि हम जर्नलिस्ट तो नहीं है ना, हम तो टेक्निकल लोग हैं, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, इन जनरल भी पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग के अलावा डिज़ाइन क्या होता है, यानी डिज़ाइनर्स के परस्पेक्टिव से क्या होता है, और हमें प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से भी डिज़ाइन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिज़ाइन। अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन इज समथिंग फंक्शनल, डिज़ाइन इज समथिंग फंक्शनल। अगर कोई चीज़ फंक्शनल नहीं है तो वो डिज़ाइन नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे कोई नई मोटरसाइकिल आती है उसके टंकी के ऊपर एक नया प्रिंट होता है, क्या वो डिज़ाइन है? अब मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि डिज़ाइन इज समथिंग फंक्शनल, तो अगर आप कहते हैं कि हाँ वो डिज़ाइन है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उस ग्राफिक से क्या अचीव किया जा रहा है, उसको ग्राफिक्स बना के उसके लुक को बेहतर बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और कुछ आप कहना चाहेंगे? उसके ब्रांड को ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के लिए, बिल्कुल सही बताया, गुड ज़बरदस्त। तो हमने क्या देखा कि डिज़ाइन इज समथिंग फंक्शनल। मिसाल के तौर पे ये जो जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये लकड़ी लगी हुई है दीवार पे, तो अगर ये डिज़ाइन है तो ये फंक्शनल होना चाहिए, तो व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस लकड़ी, दिस वुड, बेटर लुक, हाँ ये फंक्शनैलिटी है, और कुछ वही बेटर लुक ही हो गया, अट्रैक्शन या बेटर लुक। नहीं वो तो इसके ऊपर लगा हुआ है ना, दीवार के ऊपर लगाया गया उसको। ये थोड़ी बहुत नॉइस की कैंसिलेशन भी कर देता है, क्योंकि ये वुड है ना, तो ये इस पर वॉइस जो आवाज़ जब इससे टकराती है ना तो बाउंस इतनी ज़्यादा नहीं होती कंक्रीट के नस्बत या ग्लास के नस्बत, ये थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, हॉलो होता है ना अंदर से, ये थोड़ा लकड़ी जो वुड होता है वो अंदर से थोड़ी हॉलो होती है, बारीक बारीक उसके अंदर हॉलो वो होते हैं, थोड़ी सी नॉइस की कैंसिलेशन भी हो जाती है इसमें। जब ही हमारे जब ये फैन वैन बंद होता है, अभी देखो कितनी खामोशी क्लास में, वरना यही वाला माइक ना जो एक दूसरी लैब थी हमारी उसमें ये नहीं लगा होता, तो उसमें आवाज़ इको होती, बहुत गूंजती आवाज़, समझ नहीं आती। एक तो यहाँ इको, इसका तो मैं इको बंद करता हूँ, लेकिन इसका इको बंद करके भी इको डिफ़ॉल्ट में था, क्योंकि बड़ा रूम होता है तो आवाज़ टकरा के वापस आती है, रिटर्न आती है, इसमें आवाज़ टकरा के रिटर्न नहीं आती, उस तरह से नहीं आती, आती तो है ऑब्वियसली आती है, स्टूडियो लेवल का तो नहीं है, लेकिन कम आती है थोड़ी। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये जैसे ये लैपटॉप रखा हुआ है, इसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो, लोगो नहीं वो तो मैंने छुपा दिया है, जो दिख रहा है
क्या ये जो ऐसे खुलता है, ये ऐसे खुल के ऐसे सीधा होता है, क्या ये इसका डिज़ाइन है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है? ये बंद होता है, ये खुलता है। अच्छा, क्या इसका कीबोर्ड अगर स्क्रीन की जगह पे होता और स्क्रीन कीबोर्ड की जगह पे होती तो क्या ये बेटर डिज़ाइन होता है या अभी वाला बेटर है? अभी वाला बेटर है। क्यों अभी वाला बेटर? इसलिए कि मैं ये डेस्क पे रख के काम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, समझ रहे हो? इस जुमले पे गौर करो, इस कंप्यूटर को डेस्क पे रख के इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया। जब ही इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि ये ऐसे बंद हो जाता है, और जब मैं खोलता हूँ इसको तो कीबोर्ड ऐसी जगह पे होता है कि मैं इजीली उस पर हाथ इस्तेमाल कर सकूँ, और स्क्रीन ऐसी जगह पे होता है कि वो मुझे मेरी आँखों के सामने होता है। टैबलेट में ऐसा नहीं होता, टैबलेट में आपके पास वो सिर्फ वो होता है, क्योंकि टैबलेट जो कंप्यूटर होता है आईपैड वगैरह या जो भी होते हैं वो डेस्क पे रख के इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए, वो हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किए गए, इसलिए उसके अंदर ये वाला नहीं होता। तो ये डिज़ाइन एलिमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है, डिज़ाइन एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम। अच्छा, इसी तरीके से जो कुछ जो जहाज़ होते हैं उसमें ऐसे पर यूँ होता है दोनों साइड, तो अच्छा तो लगता है, ऐसा लगता है वो चील उड़ते हुए जा रही है लेकिन क्या वो जो पर है उसका डिज़ाइन से भी कोई ताल्लुक है, या वो वैसे ही उन्होंने लगाया हुआ बिला वजह? फ्यूल होता है उसके अंदर, परों के अंदर फ्यूल होता है? नहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर में तो वो नहीं होता, पर तो उसमें फ्यूल कहाँ होता है? सीधा उड़ता है। अच्छा, तो ऑब्वियसली वो उसका डिज़ाइन एलिमेंट है, उसका वो डिज़ाइन है, ठीक है। अब उसमें वो डिज़ाइन एलिमेंट क्या है उसका? वो डिज़ाइन एलिमेंट सबसे पहला तो ये है कि उस पर जो जेट इंजन लगा हुआ होता है ना, असल में वो क्या करता है, हवा को तेज़ी से पीछे की तरफ फेंकता है और आगे जाता है वो। तो वो जब एक सर्टन स्पीड तक वो चला जाता है ना, तो उसके परों को हल्का सा टिल्ट करते हैं, परों को हल्का सा टिल्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ चला जाता है जहाज़, और ऊपर जाके वो एक्चुअल में तैर रहा होता है, उस परों की वजह से वो तैर रहा होता है हवा में। हेलीकॉप्टर में ऐसा नहीं होता, हेलीकॉप्टर में अगर फ़ैन ज़रा सी देर के लिए भी रुका तो वहीं पे गिरना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो पर वाला जहाज़ होता है, अगर उसका एक घंटे तक भी इंजन बंद रखे ना तो वो नीचे नहीं आएगा, वो हवा में ही रहेगा। यानी 35,000 फीट की अगर बुलंदी पे उसका इंजन आप टोटली भी बंद कर दें तो वो कहीं जाता नहीं है, वो मज़े से उड़ता रहेगा वो, बस आपको फ्लैप को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहना अपने हिसाब से, तो वो कहीं जाता नहीं है। हाँ, वो ये ज़ाहिर आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। आपने चील को देखा है, वो यूँ मस्त हो गया ऐसे घूमता रहता है, तो बस वही सीन है, उसी से इंस्पायर हो गए इन्होंने बनाया, उसी से डिज़ाइन इंस्पिरेशन जो है वो चील से ही है बड़े वाले जहाज़ की। हेलीकॉप्टर में ऐसा नहीं हो सकता, उसमें वो तो फ़ौरन गिरना शुरू हो जाएगा अगर उसका इंजन बंद हो गया। हेलीकॉप्टर पता नहीं किस चीज़ से, तुम बताओ नहीं, मगर मक्खी के तो दो पर होते हैं। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई नहीं, लेकिन ड्रैगन फ्लाई के ऊपर वो घूमने वाला पंखा थोड़ी होता है, शेप बस पता नहीं क्यों उसको। भाई साहब, हम लोग बचपन में हेलीकॉप्टर वाली तितली बोलते थे, ड्रैगन फ्लाई को। वेल, उसके सर पे घूमने वाला पंखा नहीं होता लेकिन स्टिल। तो अब डिज़ाइन एलिमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हो, मिसाल के तौर पे एक कुर्सी के अगर चार पाए हैं, चार पैर अगर एक कुर्सी में, तो क्या वो उसका डिज़ाइन है? वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चार पैरों पे अलग अलग। इमेजिन करो कि एक अगर उसका पाया हटा दिया जाए तो वो तो खड़ी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि तीन पाए वाली भी कुर्सी होती है, देखिए किसी ने स्टूल वगैरह आमतौर पे देखे हैं, तीन पाए वाले भी होते हैं। ट्राईपॉड जो होता है जिस पे कैमरा लगाते हैं वो तीन पैर वाला होता है, लेकिन वो भी स्टेबल खड़ा हुआ होता है वो। हाँ,
एंगल का डिफरेंस होता है, लेकिन तीन पैर वाली भी कुर्सी हमने आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ होती है। तो कोई मुझे बताएगा कि ट्राईपॉड में चार पैर क्यों नहीं होते? क्या ये उसका डिजाइन एलिमेंट है उसमें जो तीन पैर क्या जानबूझ के रखा गया है? चार पे हो जाएगा तो ज्यादा एंगल नहीं आ पाएंगे, वो तीन पे ना उसके एंगल को चेंज करना बड़ा इजी रहता है। तो उसमें तीन इस वजह से रखा गया है कि उसके एंगल को इजीली एडजस्ट किया जा सके। और अगर किसी ने ट्राईपॉड यूज़ किया हो तीन पैर वाला, तो आपको पता होगा कि बहुत इजीली जो है ना वो एक ऊपर नीचे, अगर जगह कम भी हो, मिसाल के तौर पे कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ एक पैर ज़मीन पे रखने की जगह, बाकी टेबल है, तो मैंने दो पैर को छोटा करके टेबल के ऊपर रख दिया, एक को लंबा करके ज़मीन पे रख दिया, वो ईजिली खड़ा हो जाता है। तो कितना फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है वो। हालांकि ऐसे अगर किसी आपके तीन पैर वाली कुर्सी हो गया है, तीन पैर वाली कहाँ कुर्सी होती है? दो पैर वाली कुर्सी देखी किसी ने? दो पैर वाली कुर्सी किसी ने देखी है? कैसी होती है? किसी ने नहीं देखी? अच्छा, एक पैर वाली कुर्सी देखी है किसी ने? जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं एक पैर वाली कुर्सी है, बहुत सारी इसमें से रिवॉल्विंग चेयर जितनी भी होती है वो असल में एक पैर वाली कुर्सी होती है ना। जो जो बार चेयर होती है, आप बार चेयर, आपने जो बार चेयर होती है रिवॉल्विंग वाली, उसके लिटरली एक भी पैर होता है। ये वाली चेयर की बात हो रही है। और कहाँ ये स्क्रीन क्यों ऑफ हो जाती है? ये इस वाले चेयर की बात हो रही है, ये लिटरली एक पैर वाली चेयर है। तो ये एक पैर पे होना क्या इसका डिजाइन एलिमेंट है? क्यों? अगर ये तीन पैर या चार पैर वाली होती तो ये घूमती कैसे? फिर एक पैर की है जब ही तो घूम पा रही है। तो ये इसका डिजाइन एलिमेंट है। तो हमने क्या देखा कि इस पे एक पैर पे इसको इसलिए नहीं बनाया गया कि ये देखने में खूबसूरत लगे या किसी का दिल कर रहा था एक पैर पे बनाने का, इसको एक पैर पे किसी वजह से बनाया गया है। इसकी एक फंक्शनैलिटी है इसके एक पैर पे होने की, ताकि ये इसको रिवॉल्व करना ईजी हो जाता है इसको, ठीक है। तो अब हमने डिफरेंट रियल लाइफ की डिफरेंट चीज़ों में हमने डिज़ाइन एलिमेंट को तलाश किया। अब थोड़ा सा जो है ना, हम ये तो हमने बनी हुई चीज़ों का डिज़ाइन एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि चीज़ों को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, चीज़ों को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन हमें बनाना होगा डिज़ाइन ना। वी विल बी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर एंड डिवेलपिंग सॉफ्टवेयर इज़ टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। डिवेलपमेंट ये होती है कि आपको बना के प्लान दे दिया जाता है, आपको टिकट्स बना के दे दिए जाते हैं कि यार ये काम आपने करना है फिक्स, आपको कुछ दिमाग अपना नहीं लगाना होता, आप उसको देखते जाते हैं और करते जाते हैं। जो जैसे मैं आपको टास्क देता हूँ क्लास में, आपको जब टास्क मिलता है तो आपको पता होता है ना कि यार ये करना है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिवेलपमेंट, ये डिज़ाइन नहीं है। अच्छा, डिज़ाइन क्या है फिर? मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट का जो कलर है, ब्लू कलर की वेबसाइट है, क्या ये इसका डिज़ाइन है? इसका डिज़ाइन एलिमेंट क्या है? अपीलिंग लग रही है, कूल लग रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कोई इसमें सही गलत नहीं है, इनोवेटिव लग रहा है थोड़ा, सही है। और कोई डिज़ाइन एलिमेंट? ये आपके सामने एक वेबसाइट खुली हुई है, इसका कोई डिज़ाइन एलिमेंट आप अगर बता सकें कोई? अच्छा, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी सॉफ्टवेयर का जो कलर होता है वो उसका सबसे बड़ा डिज़ाइन एलिमेंट होता है और सबसे पहला डिज़ाइन एलिमेंट होता है। आपको अगर मैं ये बताऊं तो शायद आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, है आप ऑलरेडी, आपको ये पता होगी, जस्ट रियलाइजेशन की बात है कि हर किसी को एक जैसा कलर पसंद नहीं होता।
हर किसी को अलग अलग कलर पसंद होता है, ख़ास तौर पे डिफरेंट एज ग्रुप को डिफरेंट किस्म के कलर पसंद होते हैं। जो एक 4 साल का जो बच्चा है, 4 साल का जो मेल है, उसकी कलर की जो चॉइस है और 4 साल की जो फीमेल है उसकी जो कलर की चॉइस है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। समझ रहे हैं बात को? ये ऑब्वियस बात है, ये आप सब लोगों को पहले से ही पता है। और जो एक 18 साल का या 20 साल का लड़का होता है उसकी जो कलर की चॉइस है और एक 18-20 साल की जो लड़की है उसकी जो कलर की चॉइस है वो बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप, एक तो कलर आपको नज़र नहीं आते उस तरह, जिस तरह बच्चों को दिखते हैं ना शार्प दिखते हैं कलर, एक तो आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको कलर उस तरह फिर दिखते नहीं है, कलर आपके थोड़े एक जैसे होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि आप जैसे, ये वेबसाइट है ना, ये इसका लैंडिंग पेज है असल में, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कलर्स दिख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल वेबसाइट होगी ना, अभी आप अंदर मैं जाऊँगा ना इसके फायर बेस डेटाबेस के अंदर, यहाँ कोई कलर नहीं होगा। नहीं नहीं वो ग्रे भी अभी दिखा रहा है, जब ये क्रिएट कर दूंगा ना मैं इसको, मैं लेकिन क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मैं फायर स्टोर वाला करता हूँ ना डायरेक्ट, यहाँ अंदर कोई कलर नहीं होगा, क्रिएट करूँगा ना जैसे ही मैं, मैंने कहा भाई टेस्ट मोड और मैंने नेक्स्ट कर दिया, बस जाने दो यार। ठीक है, टेस्ट मोड में मैंने इसको किया तो आपने भी यही करना है। अब जब वंस मैं डेटाबेस क्रिएट कर दूंगा ना जहाँ पे एक्चुअल में डेटा दिख रहा होगा, आपने अभी तो मोंगोडीबी भी नहीं पढ़ा ना हमने, कोई और ऐसी एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही। वेल, तो पॉइंट मेरा बताने का ये है कि ऐसी वेबसाइट या ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके आगे डेवलपर को ये बात पता है या डिज़ाइनर को ये बात पता है कि इस स्क्रीन के आगे बंदे ने ना 6 घंटे 8 घंटे बैठना है, उसमें कोई कलर नहीं रखा जाता। ठीक है, उसको ये आप देख रहे हो यहाँ पे कोई कलर है, ब्लैक और वाइट है और हल्का सा ब्लू है, शेड है हल्का सा ब्लू का, बस कोई यहाँ पे भड़कीले किस्म के कलर नहीं है। क्योंकि जो रिच कलर्स जब आप देखते हैं ना तो आपको एक तो थकन होती है उससे, ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, कलर की साइकोलॉजी है पूरी, कलर के डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, हर कलर की एक नेचर होती है। तो जो रिच कलर्स होते हैं, जो डार्क ग्रीन और डार्क रेड और येलो और ये, इसको देख के ना आपको एक तो होती है थकन और दूसरा ये कि आप बोर हो जाते हैं, एक ही कलर को बार बार देख के ना बोर हो जाते हैं, तो अगर कलर ना हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो जो भी ऐप ऐसी होती है जिसपे आपको 6 घंटे 8 घंटे बैठना होता है उसमें कलर नहीं रखा जाता। आप एक्सेल शीट में देखें कोई कलर नहीं होता, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें कोई कलर नहीं होता, ग्रे होगा, ब्लैक होगा और वाइट होगा, एक ही ग्रे का ही डिफरेंट शेड्स होंगे, कलर कोई नहीं होगा। व्हाट्सएप पे भी ऑप्शनल होता है आपके लिए कि आप कलर को ख़त्म भी कर सकते हैं, वो तो शुरू में उसमें बैकग्राउंड उन्होंने डाला हुआ है ग्रीन श्रीन, लेकिन वो ख़त्म हो जाता है मेरे ख्याल में। अच्छा, मेरे पास बाय द वे व्हाट्सएप में ग्रीन कलर नहीं आता, ये देखो ना मेरे पास तो पूरा ही ब्लैक ही आता है। अच्छा, डार्क मोड की वजह से ये, वेल जैसे ये ग्रीन कलर सिर्फ इसके बटन पे ही आता है, अंदर मुझे कहीं और इसके कलर नहीं दिखा आज तक, है वाइट भी हो जाता है ये। अच्छा, ये मैंने इसका जो चैट का बैकग्राउंड है ना ये भी मैंने ब्लैक कर दिया है, क्योंकि वो पीछे वो पता नहीं अजीब से उसके टेक्सचर बने हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो मैंने हर जगह से हटाया हुआ। तो क्या कहते हैं, ये समझ में आ रहा है कि कलर में डिज़ाइन एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। डिफरेंट एज ग्रुप के लिए अगर आप किसी बच्चे के लिए वेबसाइट बना रहे हैं उसका कलर उस बच्चे के हिसाब से होगा। मिसाल के तौर पे बच्चों की कोई वेबसाइट किसी को पता है? हाँ भाई, बच्चा पार्टी, चलो बच्चा पार्टी एक वो है ना, bachapaarty.com। अच्छा, वैसे तो किसी शायद अच्छे डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन नहीं किया, वो खुलते ही फील हो रहा है, लेकिन इसका लोगो शोगो जो है ना उसमें आप देखें काफ़ी रिच कलर्स इन्होंने यूज़ किए हैं। बाय द वे, हाँ ये सही कहा यार तुमने, बहुत अच्छी तुमने बेहतरीन बात की, कह रहे हैं ये असल में तो सामान बेचते हैं बच्चों का, लेकिन यूज़ तो बड़े करेंगे ना, खरीदेंगे तो बड़े, बच्चा खुद थोड़ी खरीदेगा आगे, तो सही है फिर तो वाइट है, कोई ज़्यादा कलर नहीं रखे इन्होंने। कितना देखो ज़बरदस्त बात की, मेरे जहन में भी नहीं आई यार, इसमें से परचेज़ क्रेडिट कार्ड लगा के परचेज तो अब्बा ही करेंगे, तो सही है फिर तो वाइट रखा है बिल्कुल, और कलर फॉन्ट भी बिल्कुल एक जैसा रखा है, और मतलब बहुत ज़बरदस्त है,
मुझे तो सही लग रहा है, मतलब मैं थक नहीं रहा इसको देख के। अच्छा और कोई बताओ जो बच्चे यूज़ करते हो, ऐसी कोई वेबसाइट बताओ। अप टू टेन, अप टू टेन ये क्या होता है? अप टू टेन ये वाला है अप टू टेन डॉट कॉम। हाँ ये आ गया, हाँ देखा ये बच्चों वाली वेबसाइट है, सही तुमने बताया। अच्छा उसमें भी कलर्स बहुत आते हैं। अच्छा मैंने YouTube किड नहीं खोला कभी। YouTube किड उड़े भाई, ये तो खुला ही एकदम धमाके से। आई एम ए किड। अच्छा ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले आई एम ए किड सेलेक्ट करते हैं, तो इसको कलर्स अच्छे दिखाने चाहिए हमें। बिल्ली बिल्ली भी दिखाना। आई एम ए किड, अरे भाई ये तो मना ही कर रहा है। आई एम ए पेरेंट, नेक्स्ट। हाय पेरेंट, ठीक है बकवास है यार। जस्ट वेरीफाई योर एज। अच्छा ये तो बहुत वो कर रहा है, पंगे कर रहा है, छोड़ो। एयर जस्ट वेरीफाई, एंटर योर वेयर यूर बॉर्न। अच्छा नाउ यू कैन साइन इन एंड क्रिएट अ प्रोफाइल। नेक्स्ट स्किप, ओके स्किप स्किप स्किप, आई एग्री। अच्छा प्री स्कूल, बिल्कुल छोटा वाला। टर्न सर्च ऑफ, ये क्या है? डू यू वांट टू सर्च ऑन ऑफ? हाँ सर्च ऑन, सर्च ऑन, सर्च तो कर सकेगा ना बच्चा। हाँ ये देख रहे हो वीडियोस में भी कलर ही कलर है, और ये बैकग्राउंड में बादल पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये प्री स्कूल वाले बच्चे के लिए उन्होंने बनाया है, सही है बिल्कुल। कलर उन्होंने ऐसे, और ये देखो ये इतनी मूवमेंट जो है ना, इस पर क्लिक करने पे ये देख रहे हो, ये जो ऐसे हिल रहा हूँ, ये सिर्फ बच्चों को ही पसंद आ सकता है। ये अभी इमेजिन करो कोई स्टॉक मार्केट की है, वो उसमें जब एप्पल के और अमेजोन के स्टॉक पे क्लिक करें तो वो ये ऐसे करें, ये ऐसे यूँ, कितना कोई वाहियात लगेगा। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट लोगों के जो, अच्छा कोई ऐसी वेबसाइट जो लड़कियों की हो? नहीं नहीं फैशन डिज़ाइन तो वो दूसरे होते हैं। कोई ब्यूटी टिप्स वेब्स वाली कोई ऐप पता है किसी को यहाँ पे? हाँ क्या फेस ब्यूटी? हाँ वेबसाइट फॉर, वेबसाइट फॉर गर्ल्स मेकअप, मे बी गर्ल्स मेकअप वाली वेबसाइट भी खोलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग पता नहीं क्या आ रहा है। एल्यूरा ब्यूटी डॉट पी के, वेल ये शुरू में जो पिक्चर्स आई है ना, यही देख के तुम समझ गए होगे कि हर तरफ पिंक पिंक चल रहा है यहाँ पे, सही है। तो पिंक कलर पसंद होता है भाई, पिंक कलर पसंद होता है, सही है, ऑब्वियस बात है। तो अच्छा फिर अब हम मजीद कलर के, एक तो ये हो गया ना, हमें पता चल गया कि डिफरेंट एज ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अदरवाइज अगर हमने किसी 40 साल के अंकल के लिए वेबसाइट बनाई है और बैंक की कोई ऐप है अगर, और उसमें हमने पिंक कलर अगर डाला है तो वो मसला है। अंकल अंकल को अगर कोई ढंग का भी काम हो रहा होगा ना, तो भी अंकल जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो अंकल का खून जलेगा बिला वजह, सही है। मजबूरी है वो बैंक की ऐप है, अब ट्रांजेक्शन्स तो करनी है, वो तो करेंगे, लेकिन हो सकता है वो कुछ दिनों में बोले नहीं यार मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इनकी ऐप का कलर अच्छा नहीं है, ठीक है। ये रियलिटी ऐसा होता है, ऐप का कलर अच्छा ना होने की वजह से, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा ना होने की वजह से लोग मूव कर जाते हैं। तो अच्छा तो हम एक और डिज़ाइन एलिमेंट एक्सप्लोर करते हैं कलर का। कलर ऐसा कहा जाता है और साइकोलॉजी में ऐसा प्रूफ भी है कि डिफरेंट कलर्स जब बंदा देखता है ना तो बंदे का मूड चेंज होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आप ग्रीनरी देखते हैं तो आप एक सर्टेन मूड आपका डेवलप होता है, और क्या कहते हैं जब, जैसे जितने भी फूड के ब्रांड्स हैं ना, बड़े ब्रांड्स, येलो और रेड लेते हैं, देखो कितना अप टू डेट है।
बिल्कुल इसने सही बताया कि जो रेड और येलो वो यूज़ करते हैं, जितने भी बड़े फूड के ब्रांड्स हैं ना, उनके बैनर पे, उनके पोस्टर पे, उनके बिलबोर्ड्स पे कहीं ना कहीं रेड और येलो कलर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेस के पैकेट की जैसे एग्जांपल दे रहे हैं। और क्या बता रहे थे तुम? हाँ, वेजिटेबल और ये जो घास फूस वाली रेस्टोरेंट होते हैं ना, उसमें थोड़ा वो ग्रीनरी दिखाते हैं, शार्प किस्म की वो उसमें इमेजेस लगाते हैं ऐसा मूड बनाने वाला। अच्छा, इसी तरीके से ये तो हमने एक देखा कि यार कलर को देख के ना आपका मूड बदलता है। ठीक है, ये रेड और येलो कलर ऐसे एक खास शेड, ये रेड और येलो का वो देखने से आपको भूख लगती है ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर एक दूसरा रेड का शेड है, उसी रेड कलर का एक दूसरा शेड है जिसको देख के आपको पैनिक फील होता है, जो इमरजेंसीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इमरजेंसीज के लिए रोड के साइड पे जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं खतरा और इस तरह के जो साइंस होते हैं, उस पर वो पैनिक वाला एक शेड होता है। हाँ कह रहे हैं प्रोग्रामिंग में जो एरर आते हैं वो भी एक रेड का ऐसा शेड होता है जिसको देख के ही पैनिक होता है। इसी तरीके से जो आपके जो TCS का जो रेड कलर है वो मैकडोनल्ड वाला रेड नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट शेड है, वो देख के आपको पैनिक और हरी फील होता है कि कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है शायद, वो फील कराता है। फिर इसी तरीके से जो क्या कहते हैं, रेड का एक खास शेड है जो आपका दूसरा वाला मूड बनाता है, वो डेटिंग साइट्स वगैरह में वो वाले रेड का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, लेडी इन द रेड। तो वो जेम्स बॉन्ड में भी अक्सर वो कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि लेडी इन द रेड है, वो रेड कलर में सूट वूट पहन के मतलब बंदे सारे उसी को देख रहे होते हैं। तो एक ही कलर का जो डिफरेंट शेड है ना, वो बंदे का डिफरेंट मूड डेवलप कर रहा है, हमने यहाँ पे ये देखा। ठीक है, फिर जो क्या बताने वाला था मैं भूल गया यार, तुम लोग आपस में इतनी बातें कर रहे हो मेरा थॉट ही आउट कर दिया। ये कहीं और चला गया ये शबाब। हाँ, तो मैं क्या बताने वाला था, कलर का एक और डिज़ाइन एलिमेंट में भूल गया। वेल, तो हमने ये देखा कि यार सिर्फ वेबसाइट का जो कलर है ना, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। सिर्फ कलर देख के ही आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा, मैकडोनल्ड का ना जो येलो कलर का ऐसे एम बना हुआ होता है, वो कभी भी फेड हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, ये फेड होने ही नहीं देते उसको, ये पॉलिसी है इनकी कि दूर से आपको वो दिखता है ना एम, तो दूर से ही भूख लग जाती है आपको, वो कभी भी फेड हुआ हुआ नहीं दिखेगा। कराची में तो कहाँ, किसी देहाती इलाके में भी खुला हुआ है ना, अगर कोई फेड नहीं होगा, वो होगा प्रॉपर येलो होगा वो, और एक खास शेड होगा, वो उसी शेड से वो ऊपर नीचे जरा जहाँ होता है ना उसको वो चेंज वेंज कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, तो वो हमेशा आपको कलर उसका प्रॉपर दिखेगा। तो ये हमने कुछ कलर की बात की। अब उसके अलावा हमारे पास जो अब देखो, इससे पता क्या चला कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो हम उसको डिज़ाइन इस तरह से करेंगे। अच्छा, फिर डिज़ाइन सिर्फ कलर में नहीं है, अब और भी बहुत सारी चीज़ों में डिज़ाइन, यूज़र एक्सपीरियंस में भी है। जो एक एप्लीकेशन का, किसी सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है, वो यूज़र एक्सपीरियंस में भी है। मिसाल के तौर पर जैसे आप सब लोग गाड़ी या बाइक चलाई होगी आपने, अब मोटरसाइकिल में जो ब्रेक होता है वो सीधे पैर पे होता है, तो अगर कोई ब्रांड दूसरे वाले पैर पे ब्रेक दे दे तो क्या होगा? हाँ, राइट साइड पे मारेंगे तो कुछ और दबेगा, तो फिर आपको याद आएगा कि यार ये तो लेफ्ट पे है, तो जब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट क्या है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी आपके यूज़र को पहले से आदत होती है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है यूज़र का उस चीज़ को लेकर, तो आप उससे अगर हटेंगे ना तो भी गड़बड़ है। तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट है। मिसाल के तौर पे आप ज़्यादातर वेबसाइट के ना देखेंगे जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, वो इधर होती है राइट साइड पर, टॉप राइट पर। लोगो ज़्यादातर जो है वो आजकल इस तरफ होता है, टॉप लेफ्ट, और सर्च बार इसके बीच में कहीं होता है या बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की आपको पहले से आदत है। साइनअप का जो फॉर्म है वो कैसा होगा, लॉगिन का फॉर्म है वो कैसा होगा, उसकी आपको आदत है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको आपने ज़्यादा छेड़छाड़ की ना उसके साथ, या तो बहुत ही कोई एक्सटेंसिव किस्म की रिसर्च करें
और सर्वे वगैरह करें और लोगों का इंटरेस्ट मतलब अनफुलफिल नीड कोई आपने पता लगाइए तो फिर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं समझ में भी आता है। लेकिन वो भी ए बी टेस्टिंग पे होता है। ए बी टेस्टिंग ये होता है कि सारे यूज़र्स को एक साथ नहीं आप देते, कुछ हिस्से को देते हैं, उस पर आप रिजल्ट चेक करते हैं, कंप्लेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 आप बाकी लोगों को देते हैं। तो ए बी टेस्टिंग पे उसको चलाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है यूज़र का। इसके साथ आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर इसके साथ आपने जैसे नेविगेशन बार होती है, अब नेविगेशन बार टॉप पे होती है आमतौर पर, आप नीचे भी लगा सकते हैं स्क्रीन के, कहीं भी लगा दें आप, मतलब कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। आप ऐसे ऐसे लगाते हैं जैसे ये मैंने ये लगाया हुआ ना इधर बार, आप ऐसे भी लगा सकते हैं नेविगेशन बार लेफ्ट साइड पर, लेकिन नहीं लगाते लोग, टॉप पे लगाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसका पुराना एक्सपीरियंस है बंदे का। तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट है जो यूज़र एक्सपीरियंस का डिज़ाइन एलिमेंट है। प्रीवियस एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में होती हैं सबकी जो ड्राइविंग स्टेयरिंग जो है वो राइट हैंड पे होता है, राइट हैंड ड्राइव होता है, लेफ्ट हैंड यहाँ पे नहीं है, राइट हैंड पे ड्राइव होता है। तो जी स्टैंडर्ड है, शुरू से वो चला हुआ आ रहा है, लोगों को उसकी आदत है वो सब। और फिर ट्रैफिक के रूल भी उसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, और फिर गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स भी, वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड का जो ग्रीन टिक होता है ना तो वो राइट हैंड होगा जब भी होगा, लेफ्ट पे वो देंगे भी नहीं। तो इसी तरीके से आप देखें, अब जो नीचे ब्रेक और एक्सेलरेटर होता है फोर व्हील जो गाड़ी में, वो जितनी भी गाड़ी है ना, चाहे वो मतलब सस्ती वाली हो चाहे फुल महंगी वाली हो, उसका एक्सेलरेटर जो है वो राइट हैंड पे ही होगा, ठीक है, उसका ब्रेक दरमियान में ही होगा, और अगर उसमें क्लच है तो वो लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट पे होगा अगर क्लच है उसमें। भाई अब तो वैसे जो जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उनमें क्लच नहीं होता, लेकिन अगर क्लच है तो वो होगा अपनी जगह पे, उसकी जगह चेंज नहीं हो सकती। ये नहीं कर सकते आप कि नहीं यार मतलब राइट हैंड पे कुछ और दे दिया, लेफ्ट पे कुछ और दे दिया, ये सीन नहीं कर सकते आप। जो गियर है, गियर लीवर जो है, उसमें एक सर्टेन पैटर्न होता है ना गियर लगाने का, उस पैटर्न को आप चेंज नहीं कर सकते। उसको बहुत ज़्यादा कोई भी चेंज नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा ही करते हैं बस, हल्का फुल्का करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते। कुछ लोगों ने डैशबोर्ड वैशबोर्ड में दिया होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो लेफ्ट हैंड के एक्सेस में होता है कहीं ना कहीं, राइट हैंड पे नहीं देता कोई भी, लेफ्ट हैंड के ही एक्सेस पे कहीं ना कहीं वो होता है गियर आमतौर पर, ठीक है। इसी तरीके से जो ड्राइविंग जो सीट है वो फ्रंट रो में ही होती है, पीछे वाले रो में भी हो सकती थी ना, फ्रंट रो में क्यों रखा उन्होंने? अच्छा ट्रेन का पीछे होता है, डिपेंड करता है ये ट्रेन आगे जा रही है पीछे जा रही है, तो गाड़ी में एक ही साइड जाती है गाड़ी, तो इसलिए उसमें एक साइड पे उसमें घूम नहीं सकता। तो नहीं एक जैसे आपने कहा कि यार ड्राइवर को सही से दिखे, तो लेकिन वो इतना बड़ा हुड भी तो निकला हुआ आगे, वो इंजन रूम जो होता है वो काफ़ी लंबा सा होता है, तो इंजन को तो फिर पीछे रखना चाहिए, ड्राइवर को सबसे सामने होना चाहिए ताकि दूर तक दिखे उसको। इंजन वाले रूम को आगे क्यों रख दिया उन्होंने यार, ये क्या बकवास है? एक्सीडेंट सेफ्टी नहीं, ये तो एक्सीडेंट सेफ्टी नहीं है ना। एक्सीडेंट सेफ्टी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर गाड़ी आपकी फ्रंट से लगती है कहीं तो जो इंजन है वो ज़ाहिर है भारी होता है और गर्म होता है, जो गाड़ी की बॉडी है वो इतनी हैवी नहीं होती, इंजन का जो मेटल है वो सबसे हैवी होता है। तो अगर गाड़ी आपकी फ्रंट से लगती है तो वो इंजन तो बॉडी को तोड़ता हुआ अंदर आएगा आपकी तरफ, और गर्म भी है वो, तो ये तो सेफ्टी तो नहीं हुई, ये तो उल्टा हो गया। नहीं अगर पीछे होता वो तो गाड़ी के अंदर हीट कहाँ से आती है? नहीं गाड़ी तो आगे ही जा रही है ना। हाँ नहीं ये अच्छी बात है, सोच रहा है, सोचो यार, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा जोर डालो। हाँ बोलो, हाँ ये शायद कुछ इसने लॉजिकल बात की है कि क्योंकि गाड़ी का इंजन क्योंकि गर्म होता है तो उसको आगे शायद इस वजह से रखा गया है कि जब हवा, जब गाड़ी तेज़ी से जाती है तो हवा आगे से लग रही होती है ना उसको, तो वो इंजन को पहले ठंडा कर दे, मे भी शायद इस वजह से उसको आगे रखा गया।
पंखा वो हवा को सक भी कर रहा होता है, लेकिन जाहिर है फ्रंट पे होगा तो उसको हवा फिर प्रॉपर मिल रही होगी। हाँ ये भी इसने सही बात की कि वो बैठने वाले को भी, तो क्योंकि आगे इंजन है और हवा आगे से वो सक कर रहा है और पीछे से होता हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रूम को भी गर्म करता हुआ जा रहा है। लेकिन क्या उसको अगर हम पीछे रखते तो उस तरह से वो हवा को सक कर पाता? शायद नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रूम गर्म भी हो रहा है तो एसी तो है ना रूम में। अच्छा ये हम ये नहीं बात करें कि ये डिज़ाइन सही है, डिज़ाइन तो बड़ा कामयाब है और बड़े अरसों से चल रहा है ये डिज़ाइन, हम तो जस्ट डिस्कवर कर रहे हैं उसका डिज़ाइन एलिमेंट है क्या, हम ये डिस्कवर कर रहे हैं। नहीं वो तो रिवर्स तो थोड़ी देर के लिए करेगा ना, चलाएगा तो मेनली तो सामने ही तरफ चलाएगा। हाँ नहीं बहुत सारी गाड़ियों का पीछे होता है, जो वर्ल्ड वॉर टू के ज़माने में कुछ गाड़ियाँ बनाई थी जर्मन ने, वो वाटर कूल नहीं होती थी, वो एयर कूल्ड होती थी, तो उनका पीछे की तरफ होता था इंजन। और वो असल में स्पोर्ट्स कार में इस वजह से पीछे रखते हैं उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना, सेंटर ऑफ हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ना दरमियान में रखने के लिए करते हैं, ताकि जब स्टंट करें ना वो, तो वो बैलेंस उसका बना रहे स्टंट के दौरान में, वो जिस तरह से भी स्केट मारे गाड़ी को, वो गाड़ी आगे पीछे ना भागे। हाईरूफ का जो सेंटर ऑफ वो होता है ना ग्रेविटी, वो ऐसा होता है कि अगर आपने ज़्यादा ज़ोर से टर्न किया उसको तो वो रोल हो जाती है। डबल डोर में भी एरर है भाई, जब जो आपकी हाईलेक्स है जो वेगो तो ये बैड डिज़ाइन है राइट, सीट के नीचे इंजन है अगर किसी गाड़ी का तो बैड डिज़ाइन है। ये देखो अब तकरीबन 15-20 मिनट आधे घंटे की डिस्कशन के बाद अब आपको समझ आना शुरू हो गया कि गुड डिज़ाइन और बैड डिज़ाइन में क्या फ़र्क है और डिज़ाइन इनफैक्ट है क्या। ठीक है डिज़ाइन हमने तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल। अच्छा अब ये ना ऐसे एक दफ़ा में समझ में नहीं आएगा, अब आप जब भी किसी चीज़ को देखेंगे ना तो आपने उसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट को एक्सप्लोर करना है। अच्छा तो खैर तो ये हमने थोड़ी सी डिज़ाइन की डिस्कशन की है, हम थोड़ी सी और करेंगे किसी दिन फिर दोबारा। जी दोस्त फैन चला दो। हाँ बस में इंजन आगे होता है पीछे नहीं होता। अच्छा वो अब मुझे वो फुल बड़ी वाली बसों का पता नहीं है, तो ये ZS-18 के इंजन देखे वो तो आगे ही होते हैं भाई। ये ZS-18 ये बस के लिए बनाया नहीं था, ये पिकअप ट्रक थे, ये इसको इन्होंने कन्वर्ट किया और इस वजह से वो बैड डिज़ाइन है, क्योंकि वो कैबिन के अंदर आ गया इंजन। वरना ये सही कह रहा है, जो बड़ी बसेस होती हैं उसमें मैंने देखा है वो इंजन पीछे की तरफ होता है, ताकि इंजन का जो हीट है ना वो पीछे पीछे ही कहीं निमट जाए, वरना कैबिन के अंदर इंजन होना इज़ नॉट द बेस्ट थिंग फॉर श्योर। अच्छा तो हम ये बात कर रहे थे कि यार ये जो फायर बेस है ना, इसका जो ओरिजिनल डेटा बेस था ये रियल टाइम डेटा बेस, इसके अंदर कुछ डिज़ाइन लेवल के प्रॉब्लम्स थे। डिज़ाइन लेवल का मतलब जब इसको सोचा जा रहा था ना तो ही इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे उसी वक्त ही, लेकिन उस वक्त जाहिर है वो लड़के अपने लिए उन्होंने बना रहा, मतलब ऐसी शौकिया बनाया होगा मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने, तो उन्होंने शायद इतना ज़्यादा डिज़ाइन का ख्याल नहीं रखा। डिज़ाइन कितनी छोटी छोटी चीज़ों से डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट आ जा रही है, बैड डिज़ाइन हो जा रहा है। ठीक है इंजन आगे है और आगे हुड में है तो अच्छा है, लेकिन अगर हुड को बढ़ा के उसको इंजन को रूम के अंदर कर लिया तो बैड डिज़ाइन हो जा रहा है जल्दी से। ठीक है तो छोटी छोटी चीज़ों के फ़र्क से डिज़ाइन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनको थोड़े दिनों के बाद इस पूरे डेटाबेस को फ्रॉम स्क्रैच दोबारा से लिखना पड़ा। ठीक है उसको इन्होंने फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो मसले इतने डीप डिज़ाइन के अंदर के मसले थे कि वो फिक्स नहीं हो पाए, तो इनको फ्रॉम स्क्रैच वो दोबारा लिखना पड़ा। ठीक है अब वो मसले उसमें क्या थे वो हम फिलहाल जिक्र नहीं करते। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि वो किसी एक स्टैंडर्ड पर नहीं था। ठीक है स्लो था बहुत, उसमें क्वेरी नहीं लग सकती थी बहुत अच्छे से, तो बस वो रियल टाइम था। तो ये फायर स्टोर जब इन्होंने लिखा ना तो फायर स्टोर के अंदर ये फैसिलिटी थी आपके पास, वही रियल टाइम वाली फैसिलिटी तो वही थी। और एक और भी इसका जो है ना जो सेलिंग पॉइंट था इनका, फायर स्टोर का भी और रियल टाइम जो डेटाबेस इनका ओरिजिनल था उसका भी सेलिंग पॉइंट इनका ये था कि ये डायरेक्टली फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाता है, वरना आमतौर पर कोई दूसरा डेटाबेस ना इस तरह से कनेक्ट नहीं हो सकता। आमतौर पे क्या होता है कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे,
और सर्वर से कनेक्ट होता है डेटाबेस। डेटाबेस कभी भी डायरेक्टली फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं होता है, जैसा कि हम ये पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो वेदर ऐप हमने बनाई थी उसमें हमने क्या किया था, फ्रंट एंड था, उससे हमने सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी थी, वो सर्वर हमारा नहीं था, किसी और ने बनाया हुआ था, ओपन वेदर एपीआई वालों का सर्वर था वो, तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेजते थे और उस सर्वर से कोई डेटाबेस कनेक्ट है, हमें नहीं पता वो कौन सा उसने किया हुआ पीछे सेटअप, वहाँ से वो डेटा उठा के ले आता था। ठीक है, तो आमतौर पर जो क्लासिक अप्रोच है, जो वो क्लासिक अप्रोच ये है कि आपका एक फ्रंट एंड होगा, उस वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर पे डेटाबेस कनेक्ट होगा, सर्वर के अंदर क्या चल रहा है वो रिक्वेस्ट कर, आपको पता चल रहा है कि ओपन वेदर एपीआई ने अंदर क्या किया हुआ है, इसी तरह सर्वर पे क्या हो रहा है वो कॉल करने वाले यूज़र को पता नहीं चलता, या फ्रंट एंड पे जो बैठा हुआ यूज़र है जो ऐप को इस्तेमाल कर उसको पता नहीं चलता। इसलिए डेटाबेस में जो हम डालते हैं वही जाता है, जो हम नहीं डालना चाहते वो जाता ही नहीं, तो सिक्योरिटी के इतने इशूज़ नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये फ्रंट एंड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, फ्रंट एंड से डायरेक्ट कनेक्ट होने की वजह से और रियल टाइम डेटाबेस होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको इसका जो क्रेडेंशियल है, जाहिर है डेटाबेस से कनेक्ट करने का एक क्रेडेंशियल होगा ना, एक पासवर्ड होगा जिससे वो कनेक्शन बनेगा, वो पासवर्ड आपको HTML की ऐप के अंदर ही लगाना पड़ता है, लिंक की सूरत में या किसी भी सूरत में, वो HTML और JavaScript के अंदर ही होता है फ्रंट एंड में। अच्छा, तो उसका प्रॉब्लम ये, उसको छुपा नहीं सकते आप, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे वो दिख जाएगा, व्यू सोर्स करेंगे वो दिख जाएगा, मिनीफाई कर लें, अग्लीफाई कर लें, जो मर्जी कर लें आप, उसको छुपा नहीं सकते आप, वो दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वंस डेटाबेस से जब कनेक्ट हो गए फ्रंट एंड से डायरेक्ट, बीच में कोई सर्वर नहीं है, कनेक्शन तो हो गया, सारे काम भी हो रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें दो प्रॉब्लम है। नंबर एक, अगर वो क्रेडेंशियल किसी और ने निकाल के और छोटी सी अपनी ऐप बना के उस पर लगा दी और इनफाइनाइट लूप चला के डेटा भर दिया आपके डेटाबेस में, तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, आप उसका आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर दो प्रॉब्लम, इसमें सिक्योरिटी का इशू रहेगा हमेशा। सिक्योरिटी का इशू यूँ रहेगा, जैसे अगर हम एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो चैट एप्लीकेशन के अंदर जो मैसेजेस होते हैं वो तो सारे एक ही टेबल में होते हैं, लेकिन हर मैसेज हर बंदा रीड नहीं कर सकता। जो मेरे इनबॉक्स का मैसेज है वो सिर्फ मैं रीड कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पे तो वो लिंक क्रेडेंशियल निकालूंगा मैं और मैं कहूँगा सारा का सारा डेटा गेट करके ले आओ, तो सारे मैसेज गेट करके ले आएगा, तो ये तो बड़ा मसला हो गया। तो इसके लिए ये एक प्रॉब्लम आ गई ना, और ये डिज़ाइन लेवल की प्रॉब्लम है। डिज़ाइन लेवल की प्रॉब्लम इस वजह से है कि बाकी डेटाबेस तो कनेक्ट ही नहीं होते डायरेक्ट, तो उसमें ये बाई डिफॉल्ट ये मसला ही नहीं है, वो होते ही सर्वर से कनेक्ट है। तो ये इसको कहते हैं हम डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम, कि अब ये कनेक्ट होता है डायरेक्ट, अब इसका क्या हल है, इसका तो कोई हल नहीं है। तो इन्होंने एक हल निकालने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि हम लिखेंगे फायरबेस के सिक्योरिटी रूल्स, और यहाँ से कहानी शुरू होती है खतरनाक। हाँ, ये रिकॉर्ड हो गया। फायरबेस के सिक्योरिटी रूल्स इन्होंने बोला कि हम लिखेंगे, अब वो पूरी एक लैंग्वेज है जिसमें हम फायरबेस के सिक्योरिटी रूल्स लिखते हैं, ठीक है, और वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, उस लैंग्वेज का कॉन्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था मैंने किसी टाइम पर, वो बोल्ट के नाम से इन्होंने एक लैंग्वेज निकाली हुई थी, हम वो इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे पाए, ठीक है, हम वो सिक्योरिटी रूल्स हम कवर नहीं कर रहे। अच्छा, अब चक्कर ये हुआ कि अब आप कनेक्ट होते हो डायरेक्ट फ्रंट एंड से और आप रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर, और डेटाबेस में जब डेटा जाता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ रूल्स लगे हुए हैं, वो चेक करता है कि आप लॉगिन है या नहीं है, वो ये चेक करता है कि आप लॉगिन है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी ईमेल है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो एक्सेस देता है, और उसके लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप फायरबेस की ऑथेंटिकेशन भी इस्तेमाल करें, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल नहीं की हुई है तो आप सिक्योरिटी रूल लिख ही नहीं सकते इन द फर्स्ट प्लेस। तो आपने अगर फायरबेस का डेटाबेस यूज़ करना है तो ऑथेंटिकेशन आपने लाजमी यूज़ करनी है, उसके बगैर कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से पर्सनली मुझे ये बहुत ही जहर लगता है, बहुत ही वाहियात और जहर लगता है, क्योंकि जितनी देर में मैं सिक्योरिटी रूल लिखूंगा ना उतनी देर में मैं सर्वर लिखूंगा, और सर्वर स्टैंडर्ड है, उनका सिक्योरिटी रूल सिर्फ इन्हीं के पास है और किसी के पास भी नहीं है, इन्हीं का अपना बनाया हुआ है, और खुद ही उसको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, अगला वर्जन निकालते हैं, फिर बोलते हैं नहीं यार ये हम इस पर और मज़ीद काम कर रहे हैं, फिर खुद ही बोलते हैं कि यार इसमें तो डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम था, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसको नया लिखते हैं दोबारा फ्रॉम स्क्रैच। ये चार लैंग्वेजेस लिख चुके हैं, अभी जो चल रही है वो चौथी है,
पहले जेसन में बनाया था कि जेसन में होगा, फिर उन्होंने बोला यार एक बोल्ट के नाम से एक लैंग्वेज होगी, फिर उन्होंने बोला नहीं यार बोल्ट में मज़ा नहीं आ रहा, फिर पता नहीं कोई और लैंग्वेज बनाई, तो वो चेंज ही हो गई है अभी तक। वेल, तो अब सवाल ये है कि इसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद बावजूद हम उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और हम उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। हम पहली बात तो ये कि ये रेकमेंडेड नहीं है, बड़ी एप्लीकेशंस के लिए रेकमेंडेड है ही नहीं, फायरबेस खुद भी रेकमेंड नहीं करता कि आप इसको बड़ी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करें, नंबर एक बात तो यही है। हम इससे ये अचीव करना चाहते हैं कि आपको डेटाबेस का एक एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि अब फ्रंट एंड हमने पूरी HTML भी फ्रंट एंड पढ़ा था, अभी रिएक्ट हमने थोड़ी पढ़ दी, इसमें भी फ्रंट एंड ही पढ़ रहे हैं, डेटाबेस में कुछ सेव ही नहीं हो रहा, लोकल ले देंगे लोकल स्टोरेज के ऊपर हम बेस कर रहे हैं। तो इससे अजीब हमें ये करना है कि आपको डेटाबेस का एक सेंस आ जाए, लेकिन स्टिल हम सिक्योरिटी रूल्स क्योंकि कवर नहीं करेंगे तो वो डेटाबेस आपका इनसिक्योर होगा, वो पब्लिक होगा वो पूरा डेटाबेस एक्चुअली, ठीक है, वो पूरा का पूरा डेटाबेस क्या होगा, पब्लिक होगा अभी फिलहाल के लिए जो आज हम करने लगे। अच्छा, और सिक्योरिटी रूल हम इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो मुश्किल है, उतने देर में सर्वर पढ़ देंगे, जितने देर में सिक्योरिटी रूल पढ़ाऊंगा ना आपको मैं, उतने देर में सर्वर पूरा पढ़ा दूंगा और डेटाबेस MongoDB भी पूरा पढ़ा दूंगा। अच्छा, नंबर दो चीज़ हम ये अचीव करना चाहते हैं इससे कि छोटी छोटी ना ऐप्स बनाना शुरू करें आप, क्योंकि अभी आपके पास क्योंकि डेटाबेस एक लिमिटेशन है, डेटाबेस नहीं आता भाई, तो आप छोटी छोटी ऐप्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना ही नहीं सकते, सिक्योर इनसिक्योर वो बात की कहानी है, डेमो में कोई इनसिक्योर विनसिक्योर नहीं होता, आप डेमो के तौर पे बना रहे हैं, आप असाइनमेंट के तौर पे बना रहे हैं तो उसमें इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल कुछ बनाना शुरू करें आप, ठीक है। अच्छा, फायरबेस हम ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लासेस में पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम टाइम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्रड ऑपरेशन हमने करना है इसका, आज हम क्रड ऑपरेशन इंशाल्लाह करके उठेंगे, हमारे पास है अभी आधा घंटा बहुत है, आज हमने इसके ऊपर क्रड ऑपरेशन करना है और जो बचा हुआ थोड़ा बहुत होगी डिटेल वो नेक्स्ट क्लास में करके हम उसको निपटा देंगे। उसके बाद हम दोबारा अपनी जो रिएक्ट को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी फिर हमें क्या करना है, रिएक्ट को कंप्लीट करके फिर हमें सर्वर पढ़ना है और फिर हमें सर्वर के साथ एक जो क्लासिक डेटाबेस है जो मर्न स्टैक जो अभी चल रहा है इस वक्त राइट नाउ, मर्न स्टैक जो सबसे पॉपुलर स्टैक है वेब डेवलपमेंट में, तो मर्न स्टैक के अंदर M फॉर MongoDB, E फॉर Express.js जो है वो सर्वर लिखने का एक फ्रेमवर्क है, और R फॉर React.js जो अभी हमने स्टार्ट किया था थोड़े दिन पहले, और N फॉर Node.js, और Node.js इज अ इंजन, ये तीनों चीज़ें उस इंजन के ऊपर रन होती हैं। तो जी Node.js इंजन है ना, कर तो लिया इंस्टॉल, अभी जो रिएक्ट की ऐप बनी है वो Node.js के ऊपर तो चल रही है, इंजन है वो, आप उसके ऊपर बैठे हो, सही है। नहीं, इंजन देखो, हाँ बोलो बोलो, वो यही होता है, एक्सप्रेस सिखाते हैं उसमें, क्या कोर्स होता है अलग से देख के मुझे बताना क्या बता रहे हैं वो। मतलब Node.js के डेवलपर की जॉब, मतलब कि देखो जावास्क्रिप्ट दो तरह की है ना, हमने शुरू में ही देख लिया था, एक जावास्क्रिप्ट वो जो ब्राउजर पे चलती है, दूसरी जावास्क्रिप्ट वो जो टर्मिनल पे चलने वाली है, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो हम कवर कर लेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो जाहिर है सर्वर बनाने के लिए हमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होती जो ब्राउजर वाले में नहीं होता, फाइल ऑपरेशन उसके अंदर नहीं होते, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता उसके अंदर, पोर्ट वगैरह से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हार्ड ड्राइव का एक्सेस नहीं होता, बहुत चीज़ें नहीं होती उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो फिर वो, इसलिए वो जावास्क्रिप्ट का डेवलपर नहीं लिखते, वो Node.js का डेवलपर लिख रहे होते, मे बी बैकएंड डेवलपर एक्चुअली वो मांग रहे होते हैं कि भाई बैकएंड पे वो डेवलपमेंट उसको आती है। तो बाकी देखो Node.js को समझो, जब मैं कह रहा हूँ ना इंजन है, तो आप उसको ऐसे इमेजिन करेंगे आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, और वो गाड़ी किसके ऊपर, इंजन है ना, उसी से चलती है गाड़ी, लेकिन क्या उस गाड़ी को चलाने के लिए आपको इंजन का इंजीनियर होना भी ज़रूरी है क्या? नहीं, इंजन के अंदर कैसे क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं है, अभी आप गाड़ी के सीट पर बैठे हैं, आपको गाड़ी के कंफर्ट से और गाड़ी की स्पीड से, गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी से आपका लेना देना, गाड़ी के कंट्रोल्स जो हैं कि क्या बटन प्रेस करने से क्या काम होगा इस गाड़ी में, वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए जो हमने रिएक्ट की ऐप बनाई है ना, वो हमें उस रिएक्ट की ऐप पर फिलहाल फोकस करना है, वो जिस इंजन के ऊपर वो रन हो रही है, कंपाइल हो रही है, वो Node.js है, वो फिलहाल उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, फिलहाल हम रिएक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसी तरह एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो भी किस पे चलेगा, वो Node.js के इंजन पे चलेगा, ठीक है।
और हमारा जो MongoDB है वो भी डेटाबेस जो बना हुआ है और जो होस्ट हुआ हुआ है क्लाउड में वो Node.js के ऊपर हुआ हुआ है, लेकिन हमें Node.js से लेना, हमें तो MongoDB के APIs पढ़ेंगे उनके, MongoDB में कैसे डेटा आता और जाता है, तो हमें फिलहाल वो वाला फोकस करना है। तो इसीलिए n सबसे आखिर में, जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे ना तो फिर जाहिर है आपको अगर मिसाल के तौर पर कोई 10 साल पुराना ड्राइवर है तो उसको अगर रास्ते में गाड़ी का इंजन सीज हो जाए तो वो भी सही करना आना चाहिए उसको, जब ही तो 10 साल एक्सपीरियंस वाला कहलाएगा ना वो, समझ रहे हो बात। तो अल्टीमेटली आपको Node.js के भी निटी ग्रिटी जो चीज़ें वो पता होनी चाहिए कि Node.js में क्या कुछ कैसे चल रहा है, उसका इवेंट लूप कैसे चल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी जो हम कर सकते हैं जो ब्राउज़र में नहीं कर सकते, वो पता होना चाहिए आपको, लेकिन फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल आप जो फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पे क्लाउड फायर स्टोर पे जाके एक ऐप बना ली है, और जब फायर स्टोर के ऊपर डेटाबेस पे आप क्लिक करते हैं ना तो ये आपको कहता है क्रिएट डेटाबेस, जो मैंने बटन क्लिक किया था, और क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद टेस्ट मोड पे मैंने रखा था। टेस्ट मोड का मतलब होता है कि जिसमें डेटाबेस होगा जो भी वो पब्लिक होगा, अगर मैं टेस्ट मोड नहीं रखता, अगर मैं प्रोडक्शन मोड रखता तो मुझे कहता है कि आप फायरबेस के रूल्स लाजमी लिखो वरना आपको वो अलाउ नहीं करता उसके अलावा। अच्छा, यहाँ पे एक आपके सामने कलेक्शन बनी हुई आ रही है, स्टार्ट कलेक्शन। अच्छा, डेटाबेस ना दो तरह के होते हैं, एक होता है सीक्वल डेटाबेस, एक होता है नो सीक्वल डेटाबेस। तो ये जो फायर स्टोर है ना ये नो सीक्वल से करीब करीब है, लेकिन नो सीक्वल नहीं है ये, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो नो सीक्वल में नहीं होती, उससे भी नो सीक्वल से भी 10 हाथ आगे निकल गया ये, और ये भी इसका डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम है, इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम जन्म लेते हैं जिसका इनके पास कोई हल नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सीक्वल डेटाबेस होता है, आप में से कुछ लोगों को शायद सीक्वल डेटाबेस आता हो, जैसे माई SQL और SQL सर्वर वगैरह, ये सारे जो डेटाबेसेस हैं ये सीक्वल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, एक टेबल होती है और टेबल के अंदर डेटा होता है, रो कह सकते हैं उसको आप। ठीक है, टेबल्स होती हैं और रोज होती हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट अगर एडमिशन होता है एक स्टूडेंट का किसी इदारे में, तो उस इदारे का जो डेटाबेस है उसमें स्टूडेंट के नाम की एक टेबल होगी और एक रो एक स्टूडेंट होगा, उस रो के अंदर उसका नाम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ उसके अंदर लिखा होगा उस रो के अंदर। अगला स्टूडेंट दूसरी रो होगी। नो सीक्वल के अंदर ये स्टैंडर्ड कैसे काम करता है कि एक अदद कलेक्शन होती है, टेबल की जगह कलेक्शन होती है। ठीक है, कलेक्शन का नाम होगा स्टूडेंट्स, और उस कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट एक स्टूडेंट होगा, यानी रो की जगह अब डॉक्यूमेंट होता है नो सीक्वल के अंदर। ठीक है, अच्छा, नो सीक्वल को डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस भी कहते हैं, तो डॉक्यूमेंट बेस शायद ज़्यादा बेहतर वर्ड है मे बी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स, ये नो सीक्वल में यहीं तक होता है, लेकिन फायर स्टोर में क्या होता है कि कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होता है और उस डॉक्यूमेंट में फिर एक कलेक्शन हो सकता है, जो कि नो सीक्वल में पॉसिबल नहीं होता आमतौर पर। इन्होंने वो किया हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं, लेकिन इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। आप इसको ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप ना बनाएं, एक कलेक्शन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में मजीद कलेक्शन फिर आप ना बनाएं, तो ये प्रॉब्लम अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करते हैं और जैसा इन्होंने अभी हम जल्दी से हेलो वर्ल्ड करने की कोशिश करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा कर रही हैं। अच्छा, तो ये हमने देखा कि यार एक कलेक्शन है, तो मैंने स्टार्ट कलेक्शन का बटन दबाया और कलेक्शन का कुछ नाम लिख देता हूँ मैं, स्टूडेंट्स, और ये कह रहा है कि जब स्टूडेंट के नाम का जब कलेक्शन आपने बनाया ना, तो इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि एक डॉक्यूमेंट आप इसमें डाल दो बना के। कह रहा है एक डॉक्यूमेंट जब तक नहीं डालोगे ना एक कलेक्शन बनाने नहीं देंगे आपको। अच्छा, मैंने कहा कि भाई STD1 ये इसकी ID है। मैंने कहा नेम इसका जो है वो क्या है, जॉन है, सही है, और इसकी जो क्लास है वो क्या है, साइंस है इसकी, सही है। इसका जो रोल नंबर है वो 23A है, सही है। ये मैंने एक स्टूडेंट तैयार कर दिया। अब आप नोट करें, ये स्टूडेंट जो था ये क्या था, डॉक्यूमेंट, सही है, और ये जो नीचे मैं बना रहा हूँ दिस इज ये कलेक्शन था स्टूडेंट, और ये डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट की एक अदद ID है, जिसको आप प्राइमरी की कह लें अगर सीक्वल की जुबान में, और उसमें कुछ ना कुछ ये पूरा डेटा है। तो एक डॉक्यूमेंट मैंने बना के उसको सेव का बटन जैसे ही दबाया, तो आप देखें क्या हुआ यहाँ पे, सही है, यहाँ पे आप देखें क्या हुआ, स्टूडेंट्स के नाम से कलेक्शन आ गया, और उस कलेक्शन के अंदर इस वक्त एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसका नाम है एस टी डी
वन, और एस टी डी वन की जो वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जब मैं एस टी डी वन पर क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यूज़ नज़र आ जाती है। मैं इसमें एस टी डी टू भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा एस टी डी टू, ये मैं हाथ से ऐड कर रहा हूँ, बाय द वे हम हाथ से नहीं कर रहे होंगे, हम मलिक सही है, ये मैंने दूसरा स्टूडेंट ऐड कर दिया, एस टी डी वन, एस टी डी टू। मेरे एस स्टूडेंट के कलेक्शन के अंदर मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एस टी डी वन और एस टी डी टू। अच्छा, आप ये नोट करें कि एस टी डी वन के अंदर मेरे पास नाम है, क्लास है, रोल नंबर है, लेकिन एस टी डी टू के अंदर मेरे पास सिर्फ नेम है, ठीक है। तो ये स्कीमा लेस है, फायर बेस का डेटा बेस नो सीक्वल आमतौर पर स्कीमा लेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी स्कीमा लेस है। स्कीमा लेस का मतलब ये होता है कि जैसे सीक्वल डेटा बेसिस में ना स्कीमा ज़रूरी है, आप पहले ही बता देते हैं कि अच्छा ये चीज़ें मेरे स्कीमा में शामिल होंगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप जो भी दे दें उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, की वैल्यू का पेयर जितना मर्जी देते चले जाएँ, इसको कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये हमने हाथ से ज़रा लिख कर देखा है। अब हम यही काम क्या करेंगे, इसको अपने फ्रंट एंड से जो रिएक्ट की हमारी ऐप थी उससे कनेक्ट करेंगे, और उससे कनेक्ट करके यही वाला काम हमने दोबारा से करवाना है प्रोग्रामेटिकली। क्या करना है हमें कि एक पोस्ट लिखूंगा, मैं लिख के शेयर का बटन दबाऊंगा या पोस्ट का बटन दबाऊंगा तो वो इधर आके सेव हो जानी चाहिए। तो पहला काम तो ये होगा, फिर उसको गेट करवाना है कैसे वो भी देखेंगे। अच्छा, अब ये कनेक्ट कैसे होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा। इसके देखो लिखा हुआ है ना, गो टू डॉक्स। तो मैं ये गो टू डॉक्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसने नया टैब खोला, और इसने डायरेक्ट मैं बोल रहा उसके डॉक्यूमेंट में लेके जाओ, कहाँ नहीं कह रहा। ओके, अच्छा तो ये इस मेन डॉक्यूमेंट के ना होम पेज पे लेकर आ गया मुझे। तो यहाँ पे मैं बिल्ड में गया, और बिल्ड में जाने के बाद मैंने कहा फायर स्टोर, ताकि मुझे फायर स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन में लेकर जाए। अब देखो यहाँ पे ना इसकी सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। देखो रियल टाइम डेटाबेस की डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, रियल टाइम डेटाबेस पुराना है, हम ये नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट नया वाला पढ़ें, खराब चीज़ पढ़ रहे हैं तो भी नया वाला पढ़ें, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन आपके कोर्स आउटलाइन में ये पहले से शामिल था, तो अभी फिलहाल के लिए है ये, तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम MongoDB भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ये सरसरी से पढ़ रहे हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है कि अच्छा यार ये क्लाउड फायर स्टोर जो है वो क्या दो चीज़ें है, क्या क्या तीर मार लेती है, मतलब ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब अगला स्टेप जो है हमारा वो क्या है, गेट स्टार्टेड। किसी भी सॉफ्टवेयर की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, किसी भी लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन, उसमें गेट स्टार्टेड का पार्ट लाजमी होता है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि पहली ऐप छोटी सी हेलो वर्ल्ड कैसे बनाना है। तो इसने मुझे सबसे पहले कहा कि क्रिएट अ फायर स्टोर डेटाबेस, जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं। इसने बोला भाई एक अदद होता है टेस्ट मॉड, एक अदद होता है लॉक मॉड, हमने टेस्ट मॉड पे रखा हुआ है फिलहाल। इसका मतलब है तमाम का तमाम डेटा जो है वो पब्लिक है। उसके बाद ये मुझसे लोकेशन पूछता है कि डेटाबेस कहाँ रखना है, जो डिफॉल्ट लोकेशन है मैं उसी पे ओके करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे फिलहाल सिर्फ एक चलता हुआ डेटाबेस चाहिए, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ना डिफरेंट देखो ऑप्शंस आ रहे हैं। ये फायर स्टोर का डेटाबेस वेब से भी कनेक्ट हो जाता है, iOS से भी कनेक्ट हो जाता है, जावा, कॉटलिन, डार्ट, पाइथन, C++, यूनिटी, नॉट जीएस, सबसे कनेक्ट हो जाता है ये। लेकिन मुझे फिलहाल किस पे करना है, वेब पे कनेक्ट करना है रिएक्ट की एप्लीकेशन से। तो मैं इसको बोलूँगा npm install firebase, और ये कमांड पूरी है कि भाई firebase को इंस्टॉल कर दो बस। अच्छा, firebase को इंस्टॉल करने के लिए मैं ज़रा पहले वो वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ जो हमने बनाया था ना रिएक्ट के जैसा, क्या नाम था उसका, बैच एट में आ गया मैं, और बैच एट में आने के बाद हाँ स्टेटफुल कंपोनेंट वाले में हमने किया था शायद, हाँ नहीं ये स्टेटफुल कंपोनेंट वाले पे करते हैं। असल में ट्विटर कॉपी में ना राउटर वाउटर भी लगे हुए हैं, वो नए वाले स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है अभी। मैंने कहा cd... पीछे जाओ, cd9 स्टेटफुल कंपोनेंट, इसको एक दफ़ा ज़रा मैं रन करके देख लूँ ये वही है, तो फिर इसकी एक कॉपी बना लेंगे हम, जिसको हम नाम दे देंगे हम फायरबेस। नो ये वाला नहीं है, API इंटीग्रेशन में था वो। Thank you.
एक्सपायर हो जाता है? कितने दिन में एक्सपायर हो जाती है? वेल तो हम एक काम करते हैं, हम इसी की कॉपी बना लेते हैं और इसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट सा बना हुआ था ना, उसी से हम चलाते हैं, उसी से हम करते हैं कुछ, सही है? तो ज़रा एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या किया हुआ है हमने। इसमें हमारे पास app.js पे ही सारा काम हुआ हुआ है, जो app.js की फाइल है इसी में ही सारा काम हुआ हुआ है। तो इस फाइल को ज़रा एक नज़र देख लेते हैं इसमें क्या हुआ हुआ है। सही बना भाई, है ना, इसमें CSS वगैरह भी लगी हुई है वो वाली। हाँ ये पोस्ट है, ये न्यूज़ वाली पोस्ट है, तो इसी की एक कॉपी बना के हम इसी में कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा 11 Firebase Firestore Hello World, सही है? अच्छा, अब ये Hello World में आने के बाद मैं पहले तो इसको रन कर लेता हूँ ताकि मुझे दिखता भी रहे कि क्या हो रहा है कहाँ पर। सही है, ये मेरे पास यहाँ पे रन कर दिया मैंने इसको। अच्छा, इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या करता हूँ, चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मेरे पास जो स्टेट है इस वक्त जिसमें मैं क्वेरी लिखता था, ये क्वेरी में क्या लिखता था, मैं सिटी का नाम लिखता था एक्चुअली और एंटर करता तो न्यूज़ आता था। लेकिन अब इस वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए मेरे पास, इसका नाम होना चाहिए कि पोस्ट टेक्स्ट, ये नाम होना चाहिए ना, क्योंकि मैं पोस्ट का जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो है यहाँ पर। तो मैंने कहा पोस्ट टेक्स्ट और मैंने कहा सेट पोस्ट टेक्स्ट और शुरू में ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली। अच्छा, इस लोडिंग की मुझे स्टिल ज़रूरत रहेगी यहाँ पे, ठीक है, तो इस लोडिंग को अभी हम रहने देते हैं क्योंकि वापस जब गेट करेंगे तो शुरू में लोडर आना चाहिए मेरे पास। अच्छा, मैं यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें क्या करता हूँ, मैं गेट ट्रेंडिंग न्यूज़ का फंक्शन एक कॉल करता था, लेकिन मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई न्यूज़ वगैरह गेट नहीं कर रहा। हाँ, स्टिल मुझे यूज़ इफेक्ट की ज़रूरत है क्योंकि मैं पेज लोड होते ही सारी पोस्ट डेटाबेस से मंगवाऊंगा ऑब्वियसली। अच्छा, ये गेट न्यूज़ की भी अब मुझे शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह इसका नाम चेंज होगा एक्चुअली। ये कौन सा वाला फंक्शन है जो मैं लिखता था कराची और कराची लिख के गेट का बटन दबाता था तो ये गेट न्यूज़ चलता था कि कराची की न्यूज़ लेकर आए, तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए, शेयर पोस्ट में भी, ठीक है, या सेव पोस्ट, सेव ज़्यादा सेंसिबल लग रहा है क्योंकि डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, तो सेव पोस्ट का ये फंक्शन हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला काम नहीं करेंगे, हम एक्सियोस के ज़रिए नहीं सेट करते, इन्होंने अपनी खुद की API बताई हुई है। तो ये सेव पोस्ट का बटन क्लिक होने पर यहाँ पर क्या काम होगा वो अभी हम इनके डॉक्यूमेंट से देखते हैं थोड़ा थोड़ा, सही है? अच्छा, और मैंने कहा कि ये जो फॉर्म है ना मेरा, फॉर्म के क्लिक सबमिट के ऊपर सेव पोस्ट का बटन चलेगा। अच्छा, क्वेरी के नाम से अब मेरे पास कोई स्टेट नहीं है, किस नाम से स्टेट है मेरे पास, सेट पोस्ट टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे हम कि व्हाट्स इन योर माइंड, सही है, यही लिखा हुआ था ना, और टेक्स्ट होगी इसकी टाइप, मे बी टेक्स्ट एरिया होगा, ये इनपुट नहीं होगा अभी एक्चुअली, टेक्स्ट एरिया होगा, है ना, टेक्स्ट एरिया होता है, सही है? और मैंने कहा कि यार जब सबमिट का बटन दबाया जाए ना तो कॉन्सोल पे बस ज़रा लिख के बता दो कि क्या आ रहा है, कॉन्सोल डॉट लॉग, मैंने कहा भाई बस लिख के मुझे बता दो कि क्या आ रहा है। मैंने कहा पोस्ट टेक्स्ट जो है भाई साहब वो क्या है, वो यहाँ पे जो भी है ना मुझे ऐसा लिख के बता दो कि क्या है। सही है, और ये जो गेट करने वाला आइटम है फिलहाल इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये डेटा डॉट मैप चल रहा है तो मेरे पास डेटा के नाम से नहीं है होगा, मेरे पास अब पोस्ट्स के नाम से होगा, POSTS पोस्ट्स, इसके नाम से मैं ऊपर एक स्टेट बना देता हूँ जो कि मैंने गायब कर दी थी, पोस्ट्स होगा और सेट पोस्ट्स होगा,
ऐसे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक एरे डेटा का एरे डेटा टाइप होगा शुरू में ही, क्योंकि एम्प्टी एरे है तो वो नीचे मैप चलेगा ही नहीं, तो फिलहाल मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ कि ये मैप जो है फिलहाल नहीं चलेगा। जब हम मंगवाएंगे डेटा तो देखेंगे फिर ये मैप कैसे रन होता है, उसी के हिसाब से हम उसको चला लेंगे। अच्छा, तो मेरे पास अभी जो फ्रंट एंड है मेरा वो ऑलमोस्ट रेडी है। किस चीज़ के लिए ऑलमोस्ट रेडी है? मैं उसमें जो भी बात लिखता हूँ, कुछ बात लिखी मैंने और गेट न्यूज़ का बटन दबाया तो मेरे पास ये टेक्स्ट कंसोल पे गेट होना शुरू हो गया। अब मुझे काम जस्ट ये करना है कि इसको किसी तरह डेटाबेस के लिए रवाना करना है, ठीक है? अब डेटाबेस पे इसको रवाना करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स में से जाके ना ज़रा सा उनके डॉक्यूमेंट में वापस आ गया मैं। ये npm इंस्टॉल फायरबेस जो इसने बोला था ना कि पहले फायरबेस इंस्टॉल करो, ये करना होगा मुझे। तो मैंने ये खोला, प्रोजेक्ट को रोका, फायरबेस इंस्टॉल किया और दोबारा प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा उसके बाद में। तो ये पहला स्टेप हो गया मेरा, फायरबेस इंस्टॉल हो गया मेरे पास। आज की जिंदगी में हो गया भाई। अच्छा, अगला काम इसने ये बताया कि जिस फाइल में भी आपको फायरबेस को इस्तेमाल करना है आप क्या करेंगे, वहां पे ये कॉल करेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे आप। सही है, ठीक है जी, जितने में इंस्टॉल हो रहा है मैं इंपोर्ट तो करा ही सकता हूँ। मैंने कहा कि यार यहाँ पे ना इसको टॉप पे क्या कर लो आप, इंपोर्ट कर लो। सही है, मैंने कहा इनिशियलाइज ऐप और गेट फायरबेस ऐप इन दोनों को क्या कर लो आप, इंपोर्ट कर लो। अभी इंस्टॉलेशन पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रही है इसको। फॉरन हो जाना चाहिए अलग है उसको। अच्छा हो रहा है भाई इंस्टॉल, ठीक है हो रहा है, हम आगे चलते जाते हैं, हमारा क्या तो मसला नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, ठीक है? ये इंपोर्ट की जो दो लाइन है ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इंपोर्ट की ऑलरेडी मैं दो लाइन लिख चुका हूँ। उसने कहा कि यार आप ना ये वाला कोड भी लिख दो उधर, ठीक है? इस पर भी गौर करना है इस कोड में क्या हो रहा है। इंपोर्ट करने के फौरन बाद इसने कहा कि ये कोड भी लिख दो आप। अभी इस कोड को हम देखते हैं इसमें लाइन बाय लाइन। पहले जरा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, रन भी कर देता हूँ ताकि दिखता भी रहे साथ साथ। ये कह रहा है कि इंपोर्ट की दो लाइन हुई है ना, उसके बाद टू डू रिप्लेस द फॉलोइंग विथ योर ऐप फायरबेस प्रोजेक्ट कॉन्फिग्रेशन। और कॉन्फिग्रेशन यहां से देख लेंगे क्या होती है, ये कॉमेंट इसका मैं हटा देता हूँ। ये कह रहा है ना कि ये फायरबेस कॉन्फिग के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, इसके अंदर इसने तीन डॉट लगाया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे ना कॉन्फिग्रेशन ला के रख दो अपनी। ये कॉन्फिग्रेशन मुझे मिलेगी कहाँ से? ये मुझे मिलेगी मेरे फायरबेस के यहाँ पे से मिलेगी। मुझे सेटिंग पे क्लिक करूँगा मैं, प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाऊँगा और प्रोजेक्ट की सेटिंग पे जाने के बाद नीचे आऊँगा मैं और ये छोटा सा देख रहे हो लोगो बना हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही मुझे ये क्या दे देगा यार, क्या दोबारा क्यों नाम पूछ रहा है? मैंने कहा कि फायरबेस हेलो वर्ल्ड, दोबारा पता नहीं क्यों पूछ रहा है रजिस्टर ऐप। हाँ, ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन इसने दे दी, ठीक है? ये देख रहे हो फायरबेस कॉन्फ़िग, तो ये मैं फायरबेस कॉन्फ़िग को क्या कर लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, सही है? और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो मेरी फायरबेस की कॉन्फ़िग है ना, ये असल में वो क्रेडेंशियल है जिससे ये मेरे डेटाबेस से कनेक्ट होता है। मैंने जो यहाँ पे डेटाबेस बनाया है इसका जो क्रेडेंशियल है वो अलग है, आप जब बनाएंगे तो ये क्रेडेंशियल अलग होगा। इसके अंदर API की मौजूद है, प्रोजेक्ट की ID मौजूद है और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इसको डेटाबेस से कनेक्ट कराने के लिए वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसको मैं छुपा भी नहीं सकता, ये पब्लिक रहेगा, ठीक है? फायरबेस कॉन्फ़िग का ये ऑब्जेक्ट तैयार हुआ, उसके बाद मैंने कहा इनिशियलाइज जो ऊपर किया था ना इंपोर्ट, इस में पास कर दिया ये कॉन्फ़िग, ठीक है? और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा गेट फायर स्टोर और ये डेटाबेस के नाम से मेरे पास ना DB करके आ गया। अब ये DB के ऊपर मैं डॉट लगाऊंगा तो डेटाबेस में भेजूंगा भी डेटा और मंगवाऊंगा भी, सही है? ये मेरे पास हैंडलर आ गया, डेटाबेस का हैंडलर आ गया मेरे पास, ठीक है? डेटाबेस का एक हैंडल आ गया। अब वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, मैं इधर आ गया। अब ये कह रहा है कि ऐड डेटा, डेटा ऐड कैसे होगा? डेटा ऐड करने का तरीका इन्होंने देखो ये बताया है। इसने बोला कि एक चीज़ और इंपोर्ट करनी होगी आपको, ऊपर से गिरा
कलेक्शन और ऐड डॉक्यूमेंट, ये दो फंक्शन है, सही है, आ जाते हैं, इसको भी इंपोर्ट करवा लेते हैं साथ साथ, ये इसको भी इंपोर्ट करवा लिया मैंने, कलेक्शन और ऐड डॉक्यूमेंट, वापस आया। अब इसने बोला कि आप क्या करो, आप ये कमांड लिखोगे ना तो इससे क्या होगा, डेटा ऐड हो जाएगा जाके, सही है, आ जाते हैं, ये कमांड लिखते हैं। ये कमांड फिर मैं कहाँ लिखूँगा, ये कमांड मैं लिखूँगा वो पोस्ट लिख के जहाँ एंटर करते हैं ना वहाँ पर लिखूँगा ये कमांड, ऑब्वियसली हाँ, यहाँ पे आया मैंने ये कमांड लिख दिया, डेटाबेस तो ऊपर इनिशियलाइज करवा चुका था मैं, यहाँ पे ये कमांड लिख दिया मैंने। अच्छा, इस कमांड में क्योंकि अवेट का इस्तेमाल हुआ है तो मुझे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक छोटा सा वर्ड होता है अगर कहीं पे अवेट है तो उस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है, ये बस आपने ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो इतना काम है ना, ये ट्राई के ब्लॉक में लिखा हुआ है, ट्राई का ब्लॉक सब लोगों को पता है ना क्या होता है। अच्छा, पहले हम लिखते थे देन और कैच, अब होता है ट्राई और कैच, सही है, जो स्टैंडर्ड है ट्राई कैच, तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही स्टैंडर्ड है एरर को कैच करने का। तो हम करते हैं क्या कि जिस कोड में हमें ऐसा लगता है कि कोई एरर भी हो सकता है, या इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो भाई फेल भी हो सकती है, डेटाबेस पे भेज रहे हैं तो समटाइम डेटाबेस ऑफलाइन भी हो सकता है, तो कोई भी एरर ऐसा हो सकता है हमें पता होता है जब, तो हम उस चीज़ को कहाँ लिखते हैं, ट्राई के ब्लॉक में लिखते हैं, और फिर उसके नीचे कैच का एक ब्लॉक बनाते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये ट्राई करो, ये अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो कैच वाला काम कर देना, अगर कोई एरर नहीं आता तो सही है, ये ट्राई चलेगा और कैच नहीं चलेगा, फिर नॉर्मली ये रन होगा इस तरह। जी दोस्त, ये एसिंक जो है असल में प्रॉमिस का ही एक सिंटैटिक शुगर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जिस फंक्शन में आप अवेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो फंक्शन एसिंक होना ज़रूरी है, ठीक है, अवेट का इस्तेमाल वो डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा हुआ डायरेक्ट ऐसे है ना, नया सिंटैक्स यही है अवेट वाला, ये डॉट देन ना ये ख़त्म हो जाएगा अब थोड़े दिनों में, ये जितने भी नई लाइब्रेरीज अब आ रही हैं वो सब अवेट इस्तेमाल कर रही होंगी, ठीक है। अच्छा, तो वेल, अब देखो इसके अंदर ये इसने किया है, ट्राई के ब्लॉक में इसने एग्जैक्टली ये काम क्या किया है, इसने बोला एड डॉक्यूमेंट, सही है, कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम होगा यूजर्स, मेरे कलेक्शन का नाम क्या होगा, पोस्ट्स, मेरे कलेक्शन का नाम ऑब्वियसली पोस्ट्स होगा। अच्छा, उसके बाद कि डेटा डालना क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ, तो मेरे केस में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब नहीं होगा, मेरे केस में क्या होगा, एक होगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अगेंस्ट मेरा जो वेरिएबल है वो होगा ये रहा पोस्ट का टेक्स्ट, और क्रिएटेड ऑन, मेरी क्रिएटेड ऑन में मैं फ़िलहाल अभी लगा देता हूँ कि सही है, मैंने ये लगा दिया फिलहाल कि इस सिस्टम का जो टाइम है ना वो अभी आप ला के रख दो, और भी मज़ीद मैं कुछ डालना चाहूँ तो मैं इसमें डाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, राइट। तो मैंने कहा भाई ये कर दो। अच्छा, बाय द वे, इसमें तो सिस्टम का डेट मैं डाल रहा हूँ ना, सिस्टम का डेट गलत भी हो सकता है, इसमें फायरबेस के अंदर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर लिख देता हूँ, पता नहीं सिस्टम डेट ऐसे करके, तो वो डेटाबेस का जो टाइम होता है ना वो डालता है फिर यहाँ पे, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, अभी वो देख लेते हैं थोड़ी देर में। ये फिलहाल मैंने अभी सिस्टम का डेट डाल दिया, लेकिन मेरे सिस्टम का डेट ख़राब भी हो सकता है तो वो फिर डेटाबेस गड़बड़ कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह नहीं करते, हम यहाँ पे अच्छा, तो ये मैंने क्या कर दिया, एक पोस्ट यहाँ पे से क्रिएट करवा दिया, ये जैसे ही पोस्ट डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट रिटर्न विद आईडी, और उसकी आईडी बनी हुई आ जाएगी, सही है, जब भी ये नया डेटा ऐड करता है तो उसको एक रैंडम आईडी असाइन करता है, वो रैंडम आईडी मुझे यहाँ पे बता देगा ये, और फिर हम डेटाबेस में जाके देखेंगे तो वो डेटा क्या हो चुका होगा, वहाँ पे सेव हो चुका होगा, ठीक है। तो करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे मैं आया, इसको एहतियातन एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, मैंने कहा भाई दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट, और अच्छा ये इस पर अभी भी गेट न्यूज़ लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं कि पोस्ट, सही है, रिफ्रेश कर लेते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट, और मैंने पोस्ट का बटन दबाया, ठीक है, पोस्ट का बटन दबाने के थोड़ी देर बाद ये क्या लिखा हुआ गया, डॉक्यूमेंट रिटर्न विथ आईडी, और एक आईडी मुझे इसने दे दी, तो इसका मतलब है डेटाबेस में डेटा जा चुका है, जाके देखते हैं डेटाबेस में, इसको क्रॉस किया मैंने, वापस मैं अपने कहाँ गया, फायर स्टोर डेटाबेस में गया, और फायर स्टोर डेटाबेस में जब मैं गया तो मैंने यहाँ पे देखा कि एक पोस्ट के नाम से
एक कलेक्शन बन चुका है यहाँ पे और उसमें कुछ डेटा आ चुका है जिसमें क्रिएटेड ऑन और टेक्स्ट मौजूद है। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ से बहुत सारा डेटा डालता हूँ इसमें। हाँ डॉट डॉट मतलब समझा नहीं। मैं तुम्हारा सवाल ही नहीं समझा। हाँ अभी तो देखो, अभी हमने डेटा सेव करवाया है इसमें। सेव करवाने से मुतालिक कोई क्वेश्चन? डेटा सेव हो गया है इसके अंदर। सब लोगों को समझ आ गया ये डेटा सेव कैसे हुआ? अभी गेट कैसे करेंगे वो तो अभी आगे डिस्कस करेंगे ना, कि इसमें क्या गेट कैसे होगा डॉट लगा के, वो तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो सेव करना सीख लिया हमने। नहीं नहीं मैंने 4-5 पोस्ट किए भाई। ये लो, ये मैंने कहा कि दिस इज Another post और ये post का बटन दबाया मैंने। ये देखो ना 1, 2, 3, 4 अभी मैं ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे शो हो गया होगा। ये रहा this is another post आ गया। हर post की अलग आईडी दी आता तो ये सीक्वेंस वाइज ही है, पता नहीं अभी रिफ्रेश करने से शायद ये सेट हो गया। आता तो सीक्वेंस से ही है ये। क्या चीज़ बाद में एडिट कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं। आगे पीछे हो रहा है ये, लेकिन ये आता आमतौर पर सीक्वेंस से ही है, पता नहीं क्यों आगे पीछे हो रही है। वेल तो हमारे पास कुल मिला के बात ये कि डेटा सेव होना शुरू हो गया है। तो हमारे पास ऐड डेटा वाला काम हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे रीड डेटा, डेटा को रीड कैसे करना है? ठीक है, डेटा को रीड करने के दो तरीके हैं। नंबर एक रियल टाइम रीड। रियल टाइम रीड में क्या होता है कि एक दफ़ा तो डेटा गेट हो जाता है, लेकिन जब जब चेंज होता है वो दोबारा गेट होता है, दोबारा ऑटोमेटिकली रिसीव होता है। और एक होता है कि वन टाइम गेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो एक दफ़ा में डेटा गेट करने वाला आइटम है ना वो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, ये एक दफ़ा डेटा गेट करने वाला, ये तो दोनों चीज़ें इंपोर्ट पहले से हुई भी हमारे पास। अच्छा गेट डॉक नहीं हुआ, गेट डॉक्यूमेंट को जरा हम क्या कर लेते हैं, ये ना एड डॉक है और साथ में गेट डॉक। सही है, गेट डॉक। अच्छा अब ये गेट डॉक्स जो है ना मेरा, ये मैंने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करके मैंने किधर लगा देना है, इसको कॉपी करके मैंने लगा देना है यूज़ इफेक्ट के अंदर। ये ना यूज़ इफेक्ट मेरा इसके अंदर लगा दिया। यूज़ इफेक्ट में जो चीज़ होती है वो कब चलती है, एक दफ़ा रीलोड होने पर, जब ऐप मेरी लोड होती है पहली दफ़ा तो ये एक दफ़ा रन हो जाता है। अच्छा अब आप नोट करें इसमें भी अवेट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ रेकमेंडेड नहीं है, इससे डेटा की रेस लग जाती है। सही है, तो इसमें एसिंक हम नहीं लगाते हैं। हम क्या करेंगे, अंदर एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, हम कहेंगे कि भाई कॉन्स्ट गेट डेटा इक्वल्स टू फंक्शन। सही है, और इस फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करेंगे ऐसे करेंगे, और हम कहेंगे गेट डेटा को क्या कर दो एक बार यहाँ पर कॉल भी कर दो। सही है, और इस गेट डेटा को अब हम क्या कर सकते हैं, एसिंक बना सकते हैं। सेल्फ कॉलिंग बस सही है फिलहाल, तो ऐसे सही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरा भाई। अच्छा ये समझ आया कि यूज इफेक्ट के अंदर जो फंक्शन होता है ना डायरेक्ट, इसको हम एसिंक नहीं बनाते, इसको एसिंक बनाने से ये एरर देता है, एरर तो नहीं देता वार्निंग देता है, बोलता है डेटा की रेस लग जाएगी। डेटा की रेस ये होती है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, तो वो इन्फिनिटी चलना शुरू हो जाता है। इसको लगता है कि मैं अपडेट हुआ तो उसको अपडेट करना चाहिए, और उसको लगता है कि यार अच्छा वो ये अपडेट हुआ है तो मुझे भी अपडेट होना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे की वजह से अपडेट होना शुरू हो जाता है, तो डेटा की लग जाती है रेस।
ठीक है, अगर आप अलग से चाहें तो इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डेटा रेस क्या चीज़ होती है और यूज़ इफेक्ट के अंदर डेटा रेस कैसे हो रहा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी सा काम। वेल, तो अब होना क्या चाहिए कि जैसे ही मेरे पास क्या हो, कंपोनेंट लोड हो, तो ये गेट डेटा का फंक्शन चलेगा और ये क्या करेगा, ये करेगा गेट डॉक्यूमेंट, कलेक्शन का नाम यूजर्स, मेरे कलेक्शन का नाम है पोस्ट्स, पोस्ट के कलेक्शन में से तमाम का तमाम डेटा क्या करेगा, उठा के ले आएगा, स्नैपशॉट लेकर आ जाएगा। स्नैपशॉट का मतलब है कि जैसा वो है ना उस वक्त, उसका एक इसकी फ़ोटो खींच लेगा पूरी और इधर लेकर आ जाएगा, और इधर ला के फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर फॉर ईच चलाऊँगा, फॉर ईच जो एक तरह का लूप होता है, फॉर ईच चला सकता हूँ मैं, कोई दूसरा लूप भी चला सकता हूँ, ऐसा कोई मसला भी नहीं है। फॉर ईच चला के मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट की आईडी और डॉक्यूमेंट का डेटा ये मुझे मिल रहा होगा, ठीक है, और ये फॉर ईच कितनी दफ़ा चलेगा, जितना उस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, मेरे केस में अभी तक 6-7 पोस्ट हैं उसमें, तो 6-7 दफ़ा चलेगा और ये कॉन्सोल भी उतनी दफ़ा ही प्रिंट करेगा। आ जाते हैं ज़रा चला के देखते हैं अब क्या रिपोर्ट है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखें तमाम की तमाम पोस्ट क्या हो गई यहाँ पे, प्रिंट हो गई आगे। वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ इसलिए आ रहा है कि जो है ना उसको स्ट्रिंग में किया हुआ है इन्होंने, स्ट्रिंग में, इसको हम स्ट्रिंग से हटा देते हैं ना, अभी इसको स्ट्रिंग से हटाते हैं। सही, ये मैंने स्ट्रिंग से हटा के कॉमा लगा दिया, अब ये प्रॉपर डेटा को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये देखो ये सारी पोस्ट क्या हो गई, 1, 2, 3, 4 ये सारी इधर आके डिस्प्ले हो गई। क्या करूँ, ये तो एक दफ़ा गेट करने वाला है ना, अभी रियल टाइम वाला गेट नहीं कर रहे हम, अभी बस एक दफ़ा होगा, पेज लोड होगा, एक दफ़ा गेट होगा, बस खामोश हो जाएगा, एक दफ़ा गेट होगा, सही है, अभी वो वाला किया हमने। अच्छा हाँ, कहाँ हो गई, अभी नहीं आई है भाई, ये देखो ये मैंने लिखा और लिख के पोस्ट का बटन दबाया, ये तो मुझे वो बता रहा है ना कि डेटा रिटर्न और आई डी उसकी ये है, लेकिन पोस्ट को दोबारा से इसने गेट नहीं किया, रियल टाइम नहीं लगा हुआ अभी, अभी ये नॉन रियल टाइम लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो ये हमने कर लिया, अब इसको मुझे करना ये होगा कि इसको मुझे मेरा जो ज़ाहिर है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले भी तो करवाना है ना, तो ये पोस्ट के नाम का जो मेरे पास क्या है एरे है, इसमें मुझे एक एक करके उसको पुश करवाना होगा। कैसे करवाऊँगा मैं पुश, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट पोस्ट और इसको क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक एरे रखो, उसमें पहले से जो पोस्ट्स मौजूद हैं पहले वो रखो कॉमा डाल के, और ये डॉक्यूमेंट डॉट डेटा रखना, सही है ना ये। अब वो जितनी बार चलेगा वो एक एक करके पुश होता चला जाएगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, अच्छा चलो पहली वाली पोस्ट नहीं है, सही है पहली वाली पोस्ट नहीं है। अब ये फॉर ईच कितनी बार चलेगा, 7 दफ़ा, पहली बार जब चलेगा सेट पोस्ट और पहला जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें रख देगा, दूसरी बार जब चलेगा तो पहले वाला हटा देगा दूसरा वाला रख देगा, तो पहले वाला डेटा समझ आया क्या है। अभी पहले वाले जब पहली बार चलेगा तो इसमें एम्प्टी एरे है, लेकिन अगली बार जब चलेगा तो एम्प्टी एरे नहीं है, उसी में करना है ना, तो इसको ये क्लासिक तरीका इसी तरीके से होता है। तो हटाएगा ही ना, जब मैं पुराने वाले को हटाऊंगा तो हटा ही देगा उसको। मैप भी चला सकते हैं, लेकिन मैप में ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा, ये क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। मैंने एक एक भाई, ये जितनी दफा फौरी चलेगा ना, फौरी जितनी दफा चलेगा ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा हर दफा, और हर ऑब्जेक्ट को मैंने इस पोस्ट के अंदर पुश करवाना है। कैसे करवाऊंगा तुम बता दो, वैसे कर लेंगे, बताओ कैसे करवाऊंगा पुश में, हाँ जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सिंपल, ये सिंपल तो पुश होता ही नहीं है ना इसमें, इसमें बोलते हैं भाई सेट पोस्ट और इसमें जो भी दोगे वो पुराना हटाऊंगा वो रखवा दूंगा, आप बताओ
बताओ क्या करें। चलो मैं उसको तीन लाइन में कर देता हूँ, जो मैंने एक लाइन में लिखा था ना उसको मैं तीन लाइन में कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा न्यू, मैंने कहा कि लेट न्यू एरे इक्वल्स टू जो क्या कहते हैं पोस्ट्स डॉट कॉनकैट, यही करूंगा ना मैं, क्या करूंगा कॉनकैट से भी रेफरेंस टूट जाता है ना, लेकिन नया वाला तरीका क्या है, नया वाला तरीका ये है, ऐसे बनाऊंगा मैं। मैंने कहा न्यू एरे बनाओ एक, शुरू में उसके क्या रखवा दो, पोस्ट्स में जो भी है ना वो रखवा दो, एक नया एरे तैयार करो, शुरू में पोस्ट को खोल के रखवा दो कॉमा, अब जो डॉक्यूमेंट है ना वो रखवा दो लास्ट में, और एक ये न्यू एरे मैंने बनाया, अब इस न्यू एरे को मैं यहाँ सेट करवा दूंगा। सही है, ये मैंने दो लाइन में कर दिया वही सेम काम जो मैंने पहले सिंगल लाइन में किया था। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको एरे क्लोनिंग वाला जो चैप्टर है ना वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, असल में होगा ये कि अगर मैंने नॉर्मली पुश किया ना तो वो अपडेट नहीं होगा, स्क्रीन पे अपडेट नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन पे ये अपडेट उसी सूरत में होता है जब इसका रेफरेंस टूटता है, जब इसको इसकी क्लोनिंग होती है, जब इसकी जब सेम रेफरेंस रहेगा ना उसको लगेगा ये अपडेट हुआ ही नहीं है, तो मुझे रेफरेंस तोड़ने के लिए इसको क्लोन करना पड़ता है। सही है, इसमें सिर्फ पुश कराने से काम नहीं चलेगा, इसको मुझे क्लोन भी करना पड़ता है साथ में, ताकि वो उसको वाकई पता चल जाए कि यह चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। देखते हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आना शुरू हो गया। अच्छा, स्क्रीन पे इसलिए आना शुरू हो गया कि वो पहले से ही डिस्प्ले हुआ है, तो हम ज़रा नीचे जाके ना इसमें डेट तो प्रिंट हो रही है, डेट के अलावा क्या प्रिंट करवाना है हमें, ईच पोस्टर डॉट, ईच पोस्ट में मुझे क्या मिलता है भाई, ईच पोस्ट में मुझे क्रिएटेड ऑन मिलता है ना, तो मैं की में क्रिएटेड ऑन दे देता हूँ, वरना वो क्या देता रहेगा मुझे, वो एरर देता रहेगा कि मुझे की नहीं मिल रही। अभी ये भी प्रॉब्लम है, अभी वो भी हल करते हैं। अच्छा, एक लिंक मुझे नहीं चाहिए, जो एंकर टैग ये लगा हुआ है ना ये मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए मुझे ये। ठीक है, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली इसकी जगह मुझे चाहिए मे बी H3, राइट, बड़ा करके मुझे दिखाना है, और इसमें मैंने कहा टेक्स्ट को दिखा दो, टेक्स्ट था क्या था, हाँ टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट दिखा दिया मैंने बड़ा करके, और साथ में मैंने क्रिएटेड ऑन दिखा दिया, बस डिस्क्रिप्शन वगैरह तो उसमें है नहीं, इमेज कोई नहीं है, इमेज को भी मैंने रिमूव कर दिया, डिस्क्रिप्शन को भी रिमूव कर दिया। क्रिएटेड ऑन मैंने रखवाया था ना जब पोस्ट क्रिएट हो रही थी उस वक्त पे डेट रखवा दी थी यहाँ पर। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कभी एक डेटा भी आ जाता है, कभी एक से ज़्यादा भी आ जाता है, अब ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन मुझे बताएगा इसका जवाब, किसी को पता है इसका जवाब क्या है, रियल टाइम नहीं, रियल टाइम ये इस फॉर ईच जो चल रहा है ना 7 दफ़ा, कॉन्सोल पे प्रिंट भी हो रहा है, और मैं 7 दफ़ा इसको ऐसे करके करवा भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये 7 दफ़ा चल रहा है लेकिन डेटा एक ही आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, ये देखो ये 2 भी आ गया, 3 भी आ जा रहा है, पता नहीं कभी ये क्या चक्कर है। अच्छा मैं, हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से बता देता हूँ मैं क्या चक्कर है, असल में ये जो फंक्शन है ना सेट पोस्ट वाला, ये एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, ये जब चलता है ना तो ये फौरन अपडेट नहीं करता, ये थोड़ी देर में अपडेट करता है। अच्छा, इतने में क्या होता है, इतने में ये दूसरा लूप चल जाता है, दूसरा लूप जब चलता है इतने में, तो जब ये बनाता है ना एरे, तो ये पोस्ट इस वक्त क्या है, खाली है, क्योंकि ये तो नीचे जो पहले चला था वो अपडेट अभी तक हुआ ही नहीं है, ये खाली है पोस्ट, और ये अगला इसमें इंडेक्स रख दिया, तो ये दोबारा यहाँ के चल जाता है, अपडेट अभी भी नहीं हुआ, वो तो नेक्स्ट टिक पे अपडेट होगा, ये 7 दफ़ा चल चुका होगा जब तक, तो ये आखिरी वाला सिर्फ दिखाता है, शुरू के 6 दिखाता ही नहीं है, ये होता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, स्कोप से बाहर नहीं कर सकते, इसको रहेगा तो यही, इसको लिखने का एक एसिंक्रोनस वे भी है, जहाँ पर ये वाली सिचुएशन होगी वहाँ पे इसको लिखने का एक एसिंक्रोनस तरीका है, जो मैंने याद है पहले बताया था कि सेट पोस्ट को लिखने का एक और भी तरीका है, हम बाद में देखेंगे वो तरीका, हम अभी देख रहे हैं ये हम इसको कैसे करके कर सकते हैं, हम इसको ऐसे करके करते हैं, इसमें एक बजाय ये डेटा पास करने के हम इसको क्या देते हैं, एक अदद फंक्शन देते हैं,
ठीक है, एक आदत फंक्शन देते हैं, फंक्शन के उसमें क्या मिलता है, हमें प्रीवियस वैल्यू मिलती है, जो भी इसकी प्रीवियस वैल्यू थी। अभी मैं प्रीवियस वैल्यू ऐसे उठाता था ना, प्रीवियस वैल्यू अपडेट ही नहीं थी, खाली मिलती थी मुझे। अब प्रीवियस वैल्यू मैं ऐसे उठाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कहाँ ले आऊँगा, अंदर, और मैं बोलूँगा कि भाई प्रीवियस वैल्यू, और जो चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा ना, वो असल में ये सेट समझ रहा होता है, मैंने कहा न्यू एरे। अब इसको मैं इस तरह करके लिखूँगा, ठीक है, इसको मैंने एक फंक्शन पास किया, फंक्शन में मुझे प्रीवियस वैल्यू इसके अंदर मिलेगी, मैंने कहा प्रीवियस वैल्यू को रखो, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो रखो, और एक नया एरे बनाओ और उस नए एरे को रिटर्न कर दो, तो रिटर्न वाली जो चीज़ होती है ना वो सेट करता है फिर ये जाके। अब ये वाला मसला हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, ये हर दफ़ा ही आपको तमाम का तमाम डेटा ला के देगा, ये क्या बकवास है, टू चिल्ड्रन हैव सेम कीज। अच्छा वो मैंने डेट दी है, वो दो पोस्ट की ना सेम डेट हो गई है। एक काम करते हैं, इसमें ना वो दे देते हैं इंडेक्स, इंडेक्स भी दे सकते हैं ना, जैसे ईच पोस्ट है ना, ये ईच पोस्ट के साथ मुझे एक कॉमा डाल के आई भी तो मिलता है ना, तो ये मैं आई पास कर देता हूँ, ताकि वो उसको हर दफ़ा असल में यूनिक चाहिए होता है। हाँ आईडी भी दे सकते हैं, हाँ वो मसला हल हो गया हमारा। देखो अब ये पोस्ट सारी की सारी मुझे मिल रही है। अब मैं क्या करता हूँ, फायरबेस से जाके एक बार को वो कलेक्शन डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं दोबारा से क्या कर सकूँ, वो कर सकूँ, दोबारा से इसको सिमुलेशन कर सकूँ इसकी। मैंने कहा डिलीट कलेक्शन, सही है, कलेक्शन को मैं जस्ट डिलीट करने लगा हूँ, कलेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अच्छा रियल टाइम नहीं है ये, देखो कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ये आ चुका था, इसको पता ही नहीं चला वहाँ क्या हुआ। रिफ्रेश करूँगा, कोई डेटा नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे लिख के कुछ, मैंने कहा भाई सम डेटा और पोस्ट, ये डेटा पोस्ट हो गया, लेकिन मुझे यहाँ नहीं पता चला, मैं रिफ्रेश करूँगा तो आएगा। रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये आ गया, डबल डबल क्यों आया, क्या दो बार पोस्ट हो गया यहाँ पे, अच्छा दो बार पोस्ट हो, अच्छा नहीं वो एक मिनट, हाँ नहीं है तो एक ही बार, दो बार क्यों चला भाई, ठीक है बकवास है। असल में डेवलपमेंट के टाइम पे सम टाइम ये दो दफ़ा चल रहा होता है, पता नहीं उसका क्या रीज़न है, सही बेहतर जाने वो यूज़, हाँ वो यूज़ इफेक्ट सम टाइम दो बार चल रहा होता है, ये मैंने भी नोट किया। वेल ये जैसे ही आप इसकी बिल्ड बनाएंगे ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, तो फिलहाल मैं इसकी अभी डिटेल में नहीं जाते। तो हमने क्या सीख लिया, डेटा को गेट करना भी सीख लिया। अच्छा अब अगला काम हमें क्या करना है कि रियल टाइम में ये डेटा कैसे गेट होगा, ये करके फिर हम निकलते हैं। अच्छा यहाँ पे तो ये हो गया खत्म, गेटिंग स्टार्टेड का जो डॉक्यूमेंट था ना यहाँ पे वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे नीचे जरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एड और मैनेज डेटा और रीड डेटा। तो रीड डेटा वाले में मैं जाता हूँ, इसमें गेट डेटा और एक गेट रियल टाइम अपडेट्स है, तो मैं रियल टाइम अपडेट्स वाले पे क्लिक कर देता हूँ। रियल टाइम अपडेट वाले पे मुझे ये मिल गया, सही है, रियल टाइम अपडेट वाले पे मुझे ये कोड इसका मिल गया, सही है। और इसको मैं जी यार 9 वाला करना है, मैं नया वाला रिएक्ट के ऊपर 9 वाला चलता है, पुराना भी चल जाएगा, लेकिन वो पुराने में ना वो डॉट देन वेन होता है, ये नए वाले में एसिंक्रोनस होगा, वो एसिंक का वेट वाला। अच्छा तो हम ये सबसे पहला जो इनका एग्जांपल है ना रियल टाइम डेटा वाला, वो हम क्या करते हैं उसको उठा के अपने पास ले आते हैं। और ये रियल टाइम वाला कहाँ पर मुझे लगाना है, मुझे इसको यूज़ इफेक्ट पर लगाना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड हो ये डेटा को ना सिर्फ गेट कर ले बल्कि सब्सक्राइब भी कर ले, डेटा को ना सिर्फ गेट कर ले बल्कि सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। तो मैं इस गेट डेटा वाला जो फंक्शन था ना इसको अब कॉल नहीं करूँगा, बना हुआ तो ये है, इसको मैं कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैंने किसको कॉल करना है, मैंने कहना है कॉन्स्ट गेट रियल टाइम डेटा, मैंने कहा रियल टाइम डेटा, ये दो फंक्शन हो गया, सही है, पहले गेट डेटा था अब गेट रियल टाइम डेटा वाला बना रहा हूँ। इसमें मैंने ये फंक्शन क्या कर, ये सारा कोड मैंने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, राइट। अच्छा कि जैसी कोड पोस्ट किया, कह रहे हैं ऑन स्नैपशॉट तो है ही नहीं आपके पास, ये ऊपर इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, फायर स्टोर, अच्छा ये इसी में से आ रहा है ना, तो इसी में लगा देते हैं।
अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी में लगा दिया। ठीक है जी, तो हमने इसको क्या कर लिया, रियल टाइम सब्सक्रिप्शन लगा ली। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, कलेक्शन का नाम क्या है, सिटीज़, मेरे कलेक्शन का नाम है पोस्ट, और ये एस एफ क्या चीज़ है, अभी देख लेते हैं क्या चीज़ है ये, ये एस एफ इसने क्या लिखा है, ओके ओके, वो इसने लिखा है क्वेरी लिखी है, असल में इसने वो क्वेरी इसने लिखी है कि उसी वाले में से लेकर आए, कहीं और से ना लाए। इसमें मैं वो कोई तरीका देख रहा हूँ कि जिसमें तमाम उस पर वो लगा दे, वो यहाँ पे बता रहे हैं ना ये फाइल स्टोर पाथ स्ट्रिंग और पाथ सेगमेंट। अच्छा ये अगर मैं ना लगाऊं तो भी ये सही चलना चाहिए, असल में मुझे सिर्फ, असल में सिटीज के अंदर वो कह रहा था कि जो एस एफ जिसमें लिखा हुआ है ना सिटी में, वो वाले सिटी को सिर्फ देखे, मैं ये कह रहा हूँ पूरे कलेक्शन को देखे, तो मैंने वो हटा दिया एस एफ, तो अब देखते हैं कि वो क्या करता है। रिफ्रेश किया मैंने, कंसोल पे प्रिंट नहीं हुआ, हुआ हुआ तो है, डॉक डॉक इनवैलिड डॉक्यूमेंट रेफरेंस, डॉक्यूमेंट रेफरेंस मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ सेगमेंट्स बट पोस्ट हैज वन। मैं कुछ गड़बड़ा कर रहा हूँ, सॉरी डेटा है, डेट नहीं है, ये तो अनसब्सक्राइब करने के लिए, अभी तो सब्सक्रिप्शन होगी, फिर जब ये कंपोनेंट छोड़ के मैं जा रहा हूँ तो उसके मैं अनसब्सक्राइब भी कर दूँगा, अभी अभी करते हैं, अभी उस काम करते हैं, अभी पहले हम जरा वो तो करें, सब्सक्राइब तो करें, डेटा तो ये लेकर ही नहीं आ रहा, ये डेटा को लेकर ही नहीं आ रहा भाई, इसको तो डेटा पहले तो मंगवाएं इससे हम। मैं कोई ऐसी कोडिंग एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ इसकी जिसमें ये तमाम जो है ना वो कर दे मुझे। डीबी कलेक्शन सिटीज स्टेट इक्वल टू दिस दिस दिस, ये इसने अलग अलग करके लगाई है ना क्वेरी, इस तरह हम जरा एक ट्राई करते हैं, ये अलग अलग करके जो इसने क्वेरी लगाई है हम इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं ये कैसे है। अब क्वेरी में इसने कलेक्शन का नाम लिखा, सिटीज़ का नाम लिखा और ये वेयर लगाया, हम वेयर अगर ना लगाएं तो भी क्वेरीज, तो क्वेरी तो फिर भी वो है, हमने कहा ऑन स्नैपशॉट क्यू, तो मेरा ख्याल है ये बेटर अप्रोच है हमारे पास। पोस्ट क्वेरी को कहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ है इसने, क्वेरी को इसने फायर स्टोर से ही इम्पोर्ट किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर देते हैं, सही है। मैंने कहा क्वेरी बनाओ कलेक्शन, पोस्ट के कलेक्शन के ऊपर क्या कर दो आप, सब डेटा ले आओ वहाँ से, और ऑन स्नैपशॉट पे मैंने कहा ऑन स्नैपशॉट और ऐसे सिटीज और पुश, और उसके बाद सारी सिटी को डिस्प्ले करवा दो। सिटीज नहीं है एक्चुअली, ये पोस्ट्स हैं मेरे पास, सही है, तो मैंने कुछ इस तरह का बना दिया। ये जो इसने पहली एग्जांपल लिखी थी ना, ये कुछ गड़बड़ सी एग्जांपल है, तो मैंने इसको रिमूव करके एक नई एग्जांपल बना दी। ठीक है, गेट रियल टाइम डेटा एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या बन रहा है, एक क्वेरी तैयार हो रही है और एक वेरिएबल में वो, और मैंने कहा ऑन स्नैपशॉट और क्वेरी इसके अंदर डाली, और मैंने कहा क्वेरी का स्नैपशॉट लाओ और उसके उस पर जो भी डेटा मिलता है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि इस बार ये प्रिंट होता है और डेटा मुझे मिलता है कि नहीं मिलता।
सही जो डेटा मुझे मिलना शुरू हो गया है, सही है डेटा मुझे मिलना शुरू हो गया। अच्छा अब अगर मैं डेटाबेस में हाथ से जाके कोई चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए? वो डेटा दोबारा से मिलना चाहिए यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो मैं कंसोल का क्लियर करके जाता हूँ ज़रा यहाँ पर, और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, किसी एक पोस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ या ऐड कर देता हूँ। मे बी मैंने कहा ये इसकी आईडी है, ये इसका टेक्स्ट है, और मैंने कहा सेव। तो यहाँ पे देखो मुझे दोबारा से मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मुझे रिट्रीव हो गई, ठीक है। अब अगर मैं डिलीट भी करूँगा किसी को तो भी मुझे ऑटोमेटिकली सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे रिट्रीव होंगी। मैंने कहा कि यार डिलीट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल गया। अच्छा अब इसको मैंने प्रोसेस नहीं किया हुआ डेटा को, अब इसको ज़रा प्रोसेस भी कर लेते हैं। प्रोसेस कैसे होगा ये? जैसे यहाँ पे मैं इसको सेट करता था सेट पोस्ट, बिल्कुल उसी तरह होगा। तो मैंने अब क्या करना है, ये ईच जो चला रहा हूँ मैं इसके साथ साथ मुझे इसको वो करना है, स्टेट के अंदर अपने सेट करवाना है। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच करके इसको सेव करवाता हूँ। पहले तो मैं हाथ के हर दफ़ा चलाता था, लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट का एक कांस्टेंट वो बनाया और एरे, और उसके अंदर पुश करवा रहा हूँ मैं डेटा। जब ये पूरा एरे चल के ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पोस्ट को उठा के यहाँ पे सेव करवा देता हूँ। अच्छा बाई द वे पोस्ट के नाम से बाहर भी बना हुआ है एक, अंदर भी बना हुआ है, ठीक है, मुझे अंदर वाला ही मिलेगा। अगर मैं पोस्ट लिखूंगा ना तो अंदर वाला ही मिलेगा, क्योंकि अगर किसी स्कोप के अंदर भी एक नाम का वेरिएबल और बाहर भी हो तो पहले अंदर जो स्कोप में होता है वो जब वो मिल रहा होता है। तो मैं यहाँ पे एसिंक्रोनस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये वाला पोस्ट यहाँ पे लगा दूँगा, सही है। तो दोनों तरीके अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे भी मैं क्या करता, अगर यहाँ पे मैं क्वेरी स्नैपशॉट के ये जो फॉर ईच है ना, फॉर ईच के ख़त्म होने तक मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बना लेता और उसके ख़त्म होने के बाद में रखवाता तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, सही है। तो गेट डेटा इसको मैंने ख़त्म कर दिया और ये गेट रियल टाइम डेटा को मैंने ऑन करवा दिया। अच्छा तो ये भाई चल पड़ा है हमारा। हाँ नहीं, वेरिएबल तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा था स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने वाले जो होते हैं ना, वो स्टेट के अलावा आप किसी को स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवा सकते। वो करवाएंगे आप तो वो अपडेट नहीं होगा। अभी मैं इस पोस्ट को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाऊंगा, हो जाएगा नॉर्मल वेरिएबल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जब वो वेरिएबल चेंज होगा ना तो स्टेट री रेंडर नहीं होगा, ये मसला है। वेरिएबल तो बनेगा, काम उसी तरह करेगा, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो क्या करेगा, वो री रेंडर नहीं करेगा रियल टाइम में, स्क्रीन पर वो अपडेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम है उसमें। अच्छा तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट में रखवा दिया है तो अब क्या होना चाहिए, रियल टाइम में यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे नज़र आना चाहिए। अब अगर मैं कोई पोस्ट यहाँ पे लिखता हूँ और पोस्ट का बटन दबाता हूँ यहाँ पे तो मुझे रियल टाइम में स्क्रीन पे ये दिख गया, ठीक है। मैंने कहा अनदर डेटा तो ये मुझे फ़ौरन यहाँ पे नज़र आ गया। अब ये ऊपर नीचे हो रहा है, अब ये केस अलग है, इसका ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, इसके लिए इसको ना सॉल्ट करके मंगवाना होता है, तो वो सॉल्ट करके मंगवाएंगे तो वो सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने आज की डेट में क्या कर लिया, आज की डेट में नंबर एक काम, हमने एक डेटा को स्क्रीन से उठा के डेटाबेस तक पहुंचा दिया और उसको डेटाबेस से वापस भी गेट करवा लिया, दोनों तरीके से, नॉर्मल वाला तरीका जो सब्सक्रिप्शन नहीं होती और सब्सक्रिप्शन वाला भी करवा लिया, रियल टाइम और नॉन रियल टाइम दोनों तरीके से करवा लिया। अब एक लास्ट चीज़ आपकी रह गई है, वो ये रह गया है कि ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ना, जाहिर है आप इस कंपोनेंट को छोड़ के भी जाते हैं कभी ना कभी, अभी तो हमारे पूरी ऐप में एक ही कंपोनेंट है, लेकिन जाहिर है आपकी ऐप के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। जब आप एक पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे जाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर होम पे खड़े हुए थे आप और होम से गैलरी में चले गए आप, तो होम का जो कंपोनेंट है वो रैम मेमोरी से हटा दिया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर बने हुए जितने वेरिएबल हैं वो भी रैम मेमोरी से हटा दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये असल में सॉकेट से कनेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर आपने इंटरनेट पे कोई कनेक्शन लाइव बना के पकड़ा हुआ था वो तो ख़त्म नहीं होगा। किसी डेटाबेस से आप ज्वाइन हुए हुए थे या कहीं से लाइव स्ट्रीम चला रहे थे, कोई ऐसी चीज़ थी जो आपने चलाई भी थी, वो तो ख़त्म नहीं होगी,
सर्वर तो स्टिल आपको मैसेजेस भेजता रहेगा, सर्वर को क्या पता कि वो कंपोनेंट आप छोड़ के चले गए, तो सर्वर को बताना पड़ता है कि बस अनसब्सक्राइब बहुत हो गया, सही है, सर्वर को मुझे बोलना पड़ता है कि अनसब्सक्राइब अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए मुझे ये क्या दे रहा है, अनसब्सक्राइब मुझे देता है, जब मैं ऑन स्नैपशॉट लगाता हूँ ना इसके ऊपर, तो मुझे ये अनसब्सक्राइब का हैंडल भी देता है। अब इस अनसब्सक्राइब के हैंडल को कैसे यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे ना लास्ट में इन्होंने बताया, डिटैच अ लिसनर, ठीक है, ये जो अनसब्सक्राइब है ना, कह रहा है इसको बस आप कॉल कर दो, खत्म हो गई सारी कहानी, इसको बस आप कॉल कर दो, खत्म हो गई सारी कहानी। अच्छा, ना सिर्फ ये वाला, एक और भी प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक और प्रॉब्लम ये है कि आपका जो यूज इफेक्ट है, ये जितनी बार आप पेज को रिफ्रेश करते हैं आपका यूज इफेक्ट उतनी बार चलता है, तो वो तो उतनी बार सब्सक्राइब हो जाएगा, तो सर्वर को तो लगेगा कि 100 कंपोनेंट सब्सक्राइब करके बैठे हैं। तो आपको क्या करना होता है, ये जो अनसब्सक्रिप्शन है ना, यूज इफेक्ट के अंदर, ये जो यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट देखो यहाँ से शुरू है लाइन नंबर 40 से और लाइन नंबर 77 तक गया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में आप एक रिटर्न लगाते हैं, सही है, और रिटर्न के अंदर आप क्या देते हैं, एक अदद फंक्शन देते हैं, सही है। ये रिटर्न जो फंक्शन कर रहे हैं, ये इस फंक्शन को कौन कॉल करेगा, रिएक्ट कॉल करेगा, कब करेगा वो उसका मसला है। अच्छा, कब करेगा वो, जब मैं इस कंपोनेंट को छोड़ के जाऊंगा ना, तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा जो मैं यहाँ से रिटर्न करवाता हूँ, ठीक है, इसको क्लीनअप बोलते हैं, यूज इफेक्ट का क्लीनअप बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर मैंने अनसब्सक्राइब को कॉल करवाना है। अब मैं कैसे करवाऊंगा, अनसब्सक्राइब को जब मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ तो ये मुझे दे देता है एरर। ये मुझे एरर इसलिए देता है कि आप नोट करें, ये अनसब्सक्राइब का जो वेरिएबल है ये बना कहाँ पर है, ये बना है एक फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन से बाहर अवेलेबल तो ये होगा नहीं यहाँ पे, इसलिए मुझे मिल नहीं रही है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहीं पे एक कॉन्स्ट तो नहीं, खैर आप मुझे इसको लेट बनाना पड़ेगा, अनसब्सक्राइब को बना के ना मुझे नल करूँगा मैं, और यहाँ पे फिर इसको ऐसे यूज करूँगा कि ये बाहर बनाए और अंदर सिर्फ इसके अंदर डेटा रखवा रहा हूँ, और यहाँ पे जब मैं अब अनसब्सक्राइब दूंगा ना, अब इसको मिलना शुरू हो जाएगा। ये समझ आया कैसे हुआ, बस उसका स्कोप थोड़ा सा मैंने क्या किया, मैंने कहा बाहर ही बना दो इसको, अगर इसको मैं कॉन्स्ट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एरर दे देगा कि भाई कॉन्स्ट कर दिया, अब उसमें फिर आप डेटा डाल रहे हो, सही है, तो इसको मुझे इसलिए लेट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं इस कंपोनेंट को छोड़ के जाऊँगा ना, तो और अच्छा, ये अनसब्सक्राइब के साथ मैं कॉन्सोल भी लगा देता हूँ ना, देखो ये होगा क्या, कॉन्सोल डॉट लॉग क्लीन अप, क्लीन अप फंक्शन, राइट। अब ये क्लीन अप फंक्शन जब भी चलेगा ना, ये कॉन्सोल आ जाएगा। अब देखो ये चलता कब है, इसको मैं पेज को रिफ्रेश किया, देखो क्लीन अप फंक्शन एक बार चला, फिर दोबारा से वो दोबारा मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्लीन अप फंक्शन देखो एक बार चला। अभी जब हम राउटिंग करेंगे ना, तो आप ये नोट कीजिएगा कि जब एक कंपोनेंट को छोड़ के हम दूसरे कंपोनेंट पे जब जाते हैं, तो उस कंपोनेंट में जितनी भी सब्सक्रिप्शंस लगी हुई हैं, जो डेटाबेस पे और रियल टाइम सॉकेट वगैरह से अगर किसी से सब्सक्रिप्शन हुई हुई है, तो मुझे उस कंपोनेंट को छोड़ते हुए उन सबको डिस्कनेक्ट करवाना होता है, अदरवाइज मेरे नेटवर्क के ऊपर लोड पड़ा रहता है। या मिसाल के तौर पे कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जो मैंने एग्जॉस के ज़रिए भेजी हुई है, समटाइम होता है ना कि मैंने कोई गेट का बटन दबाया, उस गेट आने में 3-4 सेकंड 5 सेकंड लग रहे हैं, इतने में बंदे ने पेज ही स्विच कर लिया, तो उस गई भी रिक्वेस्ट को भी मुझे कैंसिल करवाना होता है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं तो उस कंपोनेंट को छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन नेटवर्क पे स्टिल वो लोड मौजूद है, वो कोई अगर गेट में बड़ा डेटा था ना, तो उसको ढूंढता रहेगा, स्टिल वो लाता रहेगा उसको। तो मुझे जैसे ही मैं मूव करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लीनअप के फंक्शन के अंदर उन तमाम रिक्वेस्ट को क्या करवा देता हूँ, मैं कैंसिल करवा देता हूँ। एग्जॉस के अंदर चलती हुई रिक्वेस्ट को कैसे कैंसिल करवाया जाता है, वो उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी वो हम फिलहाल अभी हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन वो आप देख सकते हैं अलग से कि जब रिक्वेस्ट आप बनाते हैं ना उसमें एग्जॉस डॉट करके, तो उसमें इसी तरह एक अनसब्सक्राइब उसमें कैंसिलेशन का हैंडल उसमें मिल रहा होता है आपको, तो उन तमाम चीज़ों को आपको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, इसको क्लीन कर दिया यहाँ पे। अगर हम ये अनसब्सक्राइब नहीं करते, तो ये जितनी बार यूज़ इफेक्ट चलेगा ना, उतनी बार क्या होता, वो सब्सक्रिप्शन हो जाती है। फिर क्या होता,
एक दफ़ा डेटा चेंज होता है हमारे पास 10 दफ़ा मिल रहा होता है यहाँ, क्योंकि 10 सब्सक्रिप्शन लगी हुई है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें ये करना ज़रूरी था। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये डेटा मेरे पास आ गया, मैंने कुछ इसके अंदर टैक्स लिखा और पोस्ट का बटन दबाया, ये टैक्स मेरे पास आ गया। ठीक है, पोस्ट किया, टैक्स मेरे पास आ गया, लेकिन इस बार नीचे आया, सही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ZZ लिखा, पोस्ट का बटन दबाया, इस बार ये दरमियान में आया। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे आ रहा है। अब ये हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, वो फायरबेस की आखिरी क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट, उसमें हम क्या सीखेंगे, एडिट और डिलीट करना, कि किसी एग्जिस्टिंग डेटा को एडिट और डिलीट कैसे किया जा सकता है। और साथ में ये छोटी मोटी चीज़ें कि यार अभी जैसे मैंने कंप्यूटर का टाइम उठा के भेजा हुआ है, तो जाहिर है कंप्यूटर का टाइम गलत होगा तो वहाँ पर भी गलत टाइम जाएगा, तो डेटाबेस का टाइम कैसे लगाना है, इसको सीक्वेंस में कैसे मंगवाना है। सॉल्ट का फंक्शन होता है कि हम जब मंगवाते हैं ना, हम कहते हैं यार सॉल्ट करके लाओ। यूज़र का आईपी एड्रेस कहाँ से आएगी, नहीं वो तो लॉगिन होगा ना, उसका ईमेल होगा, लॉगिन होगा, वो प्रॉपर लॉगिन होगा। अब ये डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम है, इसके अंदर डिज़ाइन लेवल का प्रॉब्लम ये है कि आप लॉगिन उसी सूरत में चेक कर सकते हैं जब आपने फायरबेस का लॉगिन लगाया हो, अगर आपने अपना कोई लॉगिन लगाया हुआ ना, वो इसमें आप चेक ही नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप स्टिल इसको एज्यूम करें कि ये पब्लिक डेटाबेस है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई फिलहाल, और हम इसमें कोई सिक्योरिटी लगाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको एक फील दिलवाना है कि डेटाबेस कुछ इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको एक फील दिलाने के लिए किया गया है। अच्छा, मे बी इन फ्यूचर आप सिक्योरिटी रूल सीख के इस पर काम भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस डेटाबेस। ये मैं पढ़ाने के हक में भी नहीं था, लेकिन आपके कोर्स आउटलाइन में क्योंकि ये पहले से था, तो इसलिए मैंने ये पढ़ाया आपको। ठीक है, और ये जस्ट इसके लिए दिलाया गया है आपको कि आपको एक फील आ जाए, आपके पास लोकल स्टोरेज से हट के क्लाउड में एक ऑप्शन हो आपके पास, कि अच्छा यार क्लाउड में भी स्टोर हो जाता है कुछ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।